गाड़ी निकाल। तूने मेरे लिए कौन सी जगह फिक्स की? क्या भाई, आप मुझ पे हमेशा शक करते रहते हो। आपको आपके हर आदमी की जानकारी पहले से ही होती है ना? कोई जो अपनी शक्ति से आगे बढ़ रहा हो ना, उसे रोकना होता है। आपका शिकार हुआ आदमी आपसे बदला लेगा ऐसा मत सोचिए। हम साथ में बिजनेस करते हैं ना। अंपायर भाई, तू मेरे पीछे पीछे मत आ, निडम्बूर ब्रांच जा। ओके भाई, ए, दूसरे रास्ते में चलो। कहाँ आना है? ए, सोचा था तू नहीं आएगा। तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं? आजा आजा। नेपोलियन, गाड़ी आते ही जल्दबाजी में गन को यूज मत करना, बाहर निकलने के बाद ही शूट करना है। क्यों? बाबू जैन ने यही कहा है। ए, गाड़ी को लेके जाओ यहाँ से। क्या ये? ए, पुलिस है। आज तक हमेशा मैंने तेरे साथ अच्छा किया, फिर तू यहाँ क्यों खड़ा है? भाई, मैं आपको क्रॉस करके ऊपर नहीं उठना चाहता था। मैं आपके साथ रहकर आपका अपना बन के रहना चाहता था, लेकिन आपने मुझे उठाकर फेंक दिया ना, इसलिए मैं आपके सामने आके खड़ा। अगर ये मुझे गोली मारेगा तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने इसके साथ गलत किया है। इसीलिए आप उसे अपने साथ रखे हुए हैं। और वो क्या करता है इस बात की जानकारी है क्या आपको? हृदय, सर, अरे ढूंढ रहे हैं करण, हम पता लगा लेंगे। हाँ, दो साल से आप यही बोल रहे हैं सर। हे, दो साल से तू क्या कर रहा था? हाँ, अरे भाई, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, तुम दो साल से क्या कर रहे थे? सर, जो दो साल से कॉल टैक्सी चला रहा था, अभी भी वही चला रहा हूँ। देखो करण, मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ बता दिया था, तुम्हारे भाई का और तुम्हारी फैमिली का कोई दुश्मन नहीं है। फिर बताओ मैं कैसे ढूंढूं? किसी न किसी का इस केस से तो संबंध होगा ना, शायद वो तुम्हारा रिश्तेदार हो। सर, कोई और हो सकता है, ये मत बोलिए। सर, कौन है वो बताइए। तो क्या कर लोगे, उसे मार दोगे? सर, पता चल जाएगा तो दुख थोड़ा कम होगा ना। बस इतना ही ना, तो फिर सवाल पे सवाल क्यों किए जा रहे हो? मैं सवाल कहाँ पूछ रहा हूँ सर, अपने भाई के बारे में पूछ रहा हूँ। देखो भाई, अमीरों का केस सॉल्व करने में 4 या 5 साल लग जाते हैं, तुम्हारा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा केस तो लावारिस लाश की तरह है, जिसे दफना कर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ समझे? सर, आपके घर में कोई लापता हो जाए तो आप ऐसी बात करेंगे क्या? फालतू की बकवास मत करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं।
वरना दो सालों से आपसे पूछताछ क्यों करता? मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है सर। आंटी भाड़ा आज शाम को देती हूँ। तुम्हें पता नहीं है ऐसे मत बोलो। ऐसा क्यों कह रही आंटी? तुम्हारे पति ने दे दिया है। माँ? हाँ? माँ? आई बेटा। ये ले माँ, अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो वापस यहाँ नहीं आने चाहिए। मुझे फोन मत करना, उन्हें कहना मैं बहुत गुस्से में हूँ और मेरा पीछा मत करना, समझ गई ना? ये तो ले। सुने, वो चली गई क्या? फोन किया तो उठाती क्यों नहीं? आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा, गाड़ी लेकर उसके पीछे घूमूंगा नहीं। कॉफी तो पी लेते। हाँ? इसके लिए अलग से रिंगटोन है। ए मृदुला, ए क्यों डीजल वेस्ट कर रहे हो? तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा हूँ, गुस्सा मुझे करना चाहिए, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? किसका घर है और किराया कौन भर रहा है? किसकी गाड़ी के लिए कौन ड्यू भरेगा? जब मैं बुलाती हूँ तब तो नहीं आते हो ना? 10 मिनट लेट आया तो प्यार से बात नहीं कर सकती हो क्या? देखो करण, अब तक हमारी शादी नहीं हुई है और इस तरह रोड पर खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करना मुझे ठीक नहीं लगता, समझ गए ना? अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे स्कूल जाना है। जाओ। पेड़ की तरह खड़े रहो, ठीक है ना? सुनो, अपनी कार में सुबह सुबह तुम्हें बिठाता हूँ, ये बात तुम जानती हो ना? जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर खड़ी हूँ। तो अब चले? जब भी मुझे मिलने आते हो किसी काम के साथ ही आते हो। मृदुला, तुम्हें अभी जाना है क्या? तुम्हारे पिकअप का टाइम हो गया है ना, तो फिर जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। हे करण, बार बार यहाँ चक्कर लगा के तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, समझ गए? क्यों सर? अगर तुम्हारी कोई पहुंच है तो उसे यूज करो, नहीं तो जो गायब है उसे गायब ही रहने दो। तो आप कुछ नहीं करने वाले? मेरी बात मानो, किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में जाओ और वहां जाकर किसी नेता को पकड़ो, फिर तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। मैं उन लोगों से क्यों मिलूं सर? हमें कुछ करना चाहिए इसीलिए उनसे मिलने को बोल रहा हूँ। ए, अब मैं रोज तुमसे झगड़ा करूँ क्या? चलो उठो, मुसीबत बनते जा रहे हो। सुबह 6 बजे उठना चाहिए, जाकर चाय की दुकान में जरा बैठते, कितने लोग बैठते हैं वहाँ पर, किसी से बात करते, 50 रुपए कुछ तो लेकर आके देते मुझे। सुबह सुबह चलो उठो अब। छोड़, क्या सुबह सुबह तू बड़बड़ कर रही है? जाओ ला मेरा टॉवल दे। जब देखो बड़बड़ करती है। भाई कौन है? आइए ना। भाई है क्या? हाँ आइए ना, सुनिए आपसे मिलने करण आया है, आओ बैठो ना। हाँ बैठा। नमस्ते भाई। हाँ करण, बैठ जा, बैठ। ए प्रभा। हाँ बोलिए ना जी। वो मुर्गन की दुकान से सामान लेकर आ जाना। हाँ हाँ करण, पता क्या बात है? सुनिए। हाँ बोलो। वो जरा चेंज चाहिए था। क्यों करण, चेंज है क्या? हाँ और पता। केशव जी से मिलना है। तुझे एक बात याद है, मैंने तुझसे उस दिन एक बात कही थी कि तू बहुत अकलमंद है और तू हंस रहा था। अकलमंद को हमारी भाषा में
बेवकूफ बोलते हैं। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही है। मुंह पे मारने के लिए पैसे चाहिए या कॉलर पकड़कर सवाल पूछने वाला बैकग्राउंड, और जिनके पास ये सब नहीं है वो बेवकूफी होते हैं। ए, ए, करन, मेरी बात सुन। रुक जा मेरी बात सुन। देख, मेरी बात का मतलब यह है कि मैं आप कर पाएंगे या नहीं, मतलब कि अगर तू मेरे जरिए जाएगा तो कोई उम्मीद मत रखना। फिर भी अगर हम पहली बार मिलने जा रहे हैं तो मर्यादा के तौर पर शॉल माला वगैरह तो लेकर जाना ही पड़ेगा। अब उसके लिए पैसे तो खर्च होंगे ही। ये लीजिए। हाँ ठीक है, बराबर तू ऑफिस में 10 बजे पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है भाई। और हम पार्टी के नेता से मिलने जा रहे हैं, ये बात किसी को तू बताना मत। लेकिन क्यों? अरे ये सब काम मैं दूसरों के लिए नहीं करता हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ यार। भूलना मत, बराबर 10 बजे। हाँ चलो, बढ़िया है, पैसे मिल गए। अरे 20 में होगा तो करवा के दे। क्या भाई, गाड़ी को उठाने से पहले पैसे मांग रहे हो? अरे बेचेंगे तो देंगे ना भाई, उधारी में दे दे, गाड़ी बेचकर ब्याज ले ले। क्या भाई, सब लोग एक ही जैसे हो। सारे मैकेनिक भी एक जैसे होते हैं। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, जिंदगी में क्या करना है मुझे पता नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। क्यों भाई, मुझे भी धोखा देना सिखा रहे हो? सॉरी यार। ठीक है, जाओ बुक लेकर आओ, जाओ। एक पैकेट दूध देना। हाँ बोल। ए मीरा, हाउस वार्मिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो सब लोग साड़ी पहनकर चलते हैं। ए पागल, साड़ी पहनने से सेक्सी थोड़ी ना दिखेंगे। स्लीवलेस टॉप पहन, मस्त स्टाइलिश लगेगा। ये लीजिए। अच्छा सुन, मैं रेडी हो गई। ए झूठ मत बोला। ए क्या कर रहे हो, ये कौन देता है तुम जैसों को यहाँ पर फ्लैट? ए मैं नीचे आ गई हूँ। हाँ बस आ रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझसे कहती तो मैं भी पहनती ना। मैं फंक्शन में नहीं आ रही, तू अकेली जा। ए! मेरी जान, जो चीज तुम्हें पसंद है वो करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सजेशन भी नहीं लेना चाहिए। चल चल चल, चलते हैं। चल चल चल। अरे चल ना। हे, हाँ? अच्छा लग रहा है ना? कौन है, कहाँ है? थू, कोई नहीं, चल। बताया था ना मैंने, वही था वो। कैसा है? थोड़ा सा गोरा है, बस इतना ही। एक दूं क्या? ए चलना बात करते हैं। नहीं। क्यों रे? पहचान का होता तो सामने से जाकर बात करते, ऐसे जाएगी ना तो कोई लड़का भाव नहीं देगा। ए मुझे जाकर बात करनी है, तू आ रही है कि नहीं? हे ओनर कहाँ है? वो खाना खाने गए हैं, जो बोल रहा है मुझे बोलो। ए, मुझसे कोई लड़का कभी सेट क्यों नहीं होता यार? अरे कैसे सेट होगा, प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला कर, उसे बिना बताए करेगी तो कैसे चलेगा? दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने डांटा ना, इसलिए उसको वैसा बना दिया। दुकान में लड़का है, यहाँ मत डांट देना। हम लोग तुम्हें डांटने नहीं आए हैं। तो फिर? ए बोल ना। ए क्या बोलूं मैं? आप नई गाड़ी भी सेल करते हो क्या? नहीं नहीं, नई गाड़ी तो सेल नहीं होती, हमारे पास सिर्फ सेकंड हैंड है, फाइनेंस हम लोग अरेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ए तो ये पूछने के लिए आई है? तो फिर बात दरअसल ये है कि तुम दिखने में बहुत हैंडसम हो, तो इसके साथ सेट हो जाओ तो अच्छा रहेगा। ऐसा है क्या? ए चुप बैठना। इनके घर के सामने जो गार्डन है, मैं वहां पर रोज मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ। वहां आने बोलिए, देखते हैं सेट होता है या नहीं। ए इसने बोल दिया ना, अब चल चलते हैं। देखा, एक नंबर का बेवकूफ है, बिल्कुल तेरे जैसा। उसके लिए सेट होगा क्या? हाँ किसके लिए? अरे तुझे बताया था ना, बिना प्रपोज किए, बिना फीलिंग्स के, बस 24 घंटे मुझसे अच्छी अच्छी बातें करे, उतना ही चाहिए। ए
तू जो बोल रही है ना वो इसके लिए बिल्कुल सेट है। हाँ? पापा मेरा वेट बढ़ा हुआ लग रहा है क्या? पता नहीं। पता नहीं, ये बाप लोगों को ना बेटियों का वेट बढ़ता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई पटा लेता है ना तो ठीक पता चलता है। बेटी शूज पहन कर जाओ। हाँ क्या बात है, इतना बोलने पर भी आपने मुझे कुछ बोला नहीं, डांटोगे नहीं क्या? तुम मुझसे भी ज्यादा मैच्योर है, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा। ठीक है। पूरा हो गया? क्या पूरा हो गया? वही वर्कआउट पूरा हो गया पूछ रहा हूँ। हो गया पूरा। मेरे और 4 राउंड बाकी हैं, वो पूरे कर लेता हूँ। ओके बाय। हाँ बोल ना। ए मैं तो चाहती थी मैं उस लड़के को टारगेट करूँ, लेकिन उल्टा वही मुझे टारगेट कर रहा है। क्या हो गया, तुझे भाव नहीं दिया क्या? नहीं दिया। तूने कुछ बोला उसे? ए हाय नहीं किया, बस वर्कआउट पूरा हुआ ये पूछा। तो हाँ बोल देना चाहिए था ना। तू जा यार। हे, 2 दिनों से बोल रहा हूँ मेरी गाड़ी बिकवा दे, तू गाड़ी लेकर क्यों नहीं जाता? अरे बस उधर ही आ रहा हूँ यार, चलो। तू दुकान चले जाना। ठीक है। सर आप जो कीमत बोल रहे हो उस कीमत पर गाड़ी नहीं जाएगी। हे, अरे यार पहले तू गाड़ी तो लेकर जा, फिर खरीदने वाला इसकी क्या कीमत लगाता है देख लेंगे। सर ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, और आपको नेट 25,000 चाहिए। ठीक है यार, गुस्सा मत कर, लेकर जा इसे। हेलो, तुमसे मिलने के लिए दुकान पर गए थे लेकिन तुम थे ही नहीं। क्यों मिलना है? तुम्हारी दुकान में एक स्कूटी पड़ी है ना, उसी का रेट जानने के लिए गए थे। किसके लिए? इसके लिए। देखने में तो बहुत बड़ी पार्टी लगती है, नहीं खरीद सकते हो ना? असल में इसके घर में स्कूटी चलाना किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए सेकंड हैंड ढूंढ रही है। ए, गाड़ी उठाते वक्त देख कर नहीं उठा सकता था? तो इस धंधे में नया है या एरिया में? ए, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। एरिया धंधा दोनों भी नए हैं। चल निकल। ए, अगला कहाँ है रे? वही बनवारी लाल सेठ के छोटे हाथी का मैटर। ठीक है तू वहां जाकर सुकुमार से मिल ले। हाँ। चोरी करके लाए थे? मुझे देखकर ऐसा लग रहा है क्या? तो फिर उसने तुम्हें मारा और तुम उसे बस देख रहे थे? क्यों, तो क्या मैं भी उसे मारता? कितना खतरनाक था वो, अब उनसे नहीं टकराना चाहिए। पता है ना, अब चलो। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जिसने बाइक दी थी ना उस शरीफ इंसान से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी आऊँ क्या? नहीं। हे, अभी अभी जो आया था उसे तुम पक्का मारने वाले हो, मैं देखना चाहती हूँ। यू एंड मी फाइनेंस कंपनी, चेतावनी। तुम्हारा फाइनेंस कैसा है ये जाने बिना मैंने लोन ले लिया, किसी भी तरह गाड़ी को बेचकर मैं पैसे दे दूंगा। आपसे मार खाया हुआ ये तो गर्व की बात है। और तुमने जो मार खाई उसका क्या? ए, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई हो? भैया ओनर बाहर गए हुए हैं, थोड़ा वेट कीजिए ना। हट बे। सुन बे, अपने ऑनर को बोल देना जब मैं आऊं तो मुझे मिलना चाहिए, वरना उधारी भूल जा, समझा ना? चल। भाई आप आ रहे थे इसलिए मैं जल्दी आ गया। बहुत भाग क्या है लगता है, चल जा। भाई आपने उसे मारा क्यों, मैं तो आने वाला था। क्या कहा? मैंने मारा? चल पूछ। मैंने मारा क्या, पूछना इससे। मैंने मारा क्या तुझे? ए, मैंने मारा क्या? मैंने मारा था क्या? मारा था क्या? देखा ना बे, ये लड़का क्या बोल रहा है, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। चल। तुम्हें ऐसे घूमना पसंद है?
नहीं नहीं, मुझे अच्छा काम करना पसंद है। लेकिन मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। क्यों? ऐसे एक्टिंग करते जैसे हमेशा बिजी है। ए, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो काम धंधा किए बिना बच्चे जैसा हमेशा बस मेरे साथ ही घूमता रहे। बस इतना चाहती हूँ मैं। हम जिस रास्ते से आए थे, हाँ, वहीं से वापस चली जाओगी? क्यों? मूड आउट होता है तो मैं गंदी गाली देता हूँ। हेलो हेलो, जरा रुको, तुमने इसे क्यों मारा था? देखो, ये मेरा काम है, मुझे उनके लिए ये सब काम करना पड़ता है, इसीलिए। ये काम मुझे पसंद है इसीलिए करता हूँ। बाकी तेरे लवर को मारना नहीं चाहिए था, सॉरी। हाँ ब्रदर, यू एंड मी फाइनेंस कंपनी में काम करते हो ना, सॉरी मत बोलो। तू जानने के बाद गाड़ी उठाया था क्या? गाड़ी के ओनर के घर चले जाओ, वहां पर आपकी तारीफ में बैनर लटकाए हैं। देखो, कोई मुझे ब्रेकअप के लिए फोन कर रही है। क्यों? वो क्या है कि उसके साथ अपनी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसीलिए। तुम मुझे पसंद करती हो? करती हूँ। प्यार करती हो? नहीं पता। थैंक्स। वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, सच कहूं तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा कमाता है। ए, मैं अभी भी तुम्हें ही पसंद करती हूँ। ए, चल जा। सुनो, मुझे जब भी कभी याद आएगी मैं तुम्हें फोन करूंगी। बात करोगे ना? जरूरत नहीं है, दोबारा किसी को धोखा मत देना। कौन, मैं? धोखा मैंने दिया है या तुमने दिया है? हे, हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया ना? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम अभी रुद्रा को छोड़कर आ जाओगे तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरे लिए तुझसे ज्यादा वो जरूरी है। जब से मैं चेन्नई आया हूँ ना, तब से मुझे खाना देता है, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। वो मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही पुराने कपड़े बेचती रहूंगी, ये सोचकर ही मुझे डर लगता है। इसलिए घर वालों के पूछते ही मैंने उनसे हाँ कह दिया। एक बार किस करो ना, तुम जैसे हमेशा करते हो वैसे ही। बस भी करो। जब तुझे लगेगा कि मेरे बिना तुझे तकलीफ हो रही है तो मुझे कॉल करना। नमस्ते 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 नमस्ते। केशव जी नमस्ते। बोलो प्रभाकर। ये पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है इसलिए साथ ले आया। अच्छी बात है, मैं इन्हें मेंबर बना देता हूँ। भाई, 300 रुपया दे दो और इस फॉर्म को भर दो। लिखना तो आता है ना? भाई, मैं एक मुसीबत में हूँ, मुझे उस मुसीबत से बचाइए, मैं सब कुछ करूंगा। प्रभाकर, इस भाई को अपने भाई के पास लेकर जाओ, वो बात कर लेंगे। ठीक है, चलो जाओ भाई। देखो, वहां पर शांत रहना, ठीक है? आओ जी। भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। वो मेरा आदमी, उसे आने दो। क्या प्रभाकर, क्या समस्या है? इसका नाम है करण। सर, मेरे भाई को लापता हुए 2 साल हो गए, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो जिंदा है या नहीं ये पता लगाना है, आप कर पाएंगे क्या? भाई, तुम्हारा गाँव कौन सा है, होगा या नहीं पूछ रहे हो? क्या प्रभाकर, लाते समय समझा कर नहीं लाए थे क्या? मैं इसे समझा कर ही लाया था, फिर भी ये बोला कि एक बार आपसे इसे बात करनी है। भाई, यहाँ पर हर केस को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर है। तेरा भाई मर गया या लापता है तुझे पता नहीं है ना? ए केशव भाई,
इन्हें ले जाकर अमाउंट के बारे में बात कर ले। जाओ भाई। आ जा। तुम जाओ। क्या प्रभाकर, ये तुम्हारे वार्ड का है? अपने ही वार्ड का है, खर्चा पानी भी मिल जाता है भाई, काफी माल पानी वाला आदमी है। तो ठीक है, जाकर तुम देख लो। ठीक है। भाई नाम बताओ। करण। बेल्ट कौन सा है? अरे तुम चुप क्यों हो भाई, जैसे नाम पूछते ही बताया वैसे ये भी बता दो, बताओ कौन सा बेल्ट है? लेदर बेल्ट है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ए, सुनो करण, सुनो, ऐसे कोई जाता है क्या करण? नेता जी बुरा मान जाएंगे। चलो वापस चलो। नहीं भाई, चलो बात करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। उसने जो पूछा बताना चाहिए था ना। ए, क्या बोल रहे हो तुम? बोल रहे थे ये लोग मदद करेंगे, पुलिस और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। देख करण, मेरी बात समझने की कोशिश कर। नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। क्या रे, 25 लाख सेटल करने को बोला तो एरिया में नहीं हूँ, इधर आ उधर आकर के घुमा रहा है, बेवकूफ समझा का। ए भाई, सबके सामने ऐसा मत करो, भाई ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, भाई ऐसा नहीं करते ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तू बड़े शान से स्कॉर्पियो में झंडा लगा के हीरो की तरह जाएगा। मैं तो सोच ही रहा था कि कभी ना कभी तुझे बेइज्जत करूं, और आज तू हद से चढ़ गया। नेपोलियन, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अभी तुझे क्या चाहिए? रुद्रा ने जो पैसा दिया वो चाहिए ना। हे, तू उसी के लिए मार खा रहा है रे। चल जा, जाके पैसे लेके आ। सुनाई नहीं दिया क्या? हे सुकुमार, सुनाई नहीं दिया क्या? भाग के लाने के लिए बोला, चल जल्दी जा। पैसे थे तो देना चाहिए था ना, फालतू में चक्कर क्यों लगवा रहा था? चल आप जाओ ना भाई। ए, जाने के लिए बोला ना। ए, ये धोखेबाज लोग हैं, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, तुरंत पार्टी बदलनी होगी। चलो आओ। भाई एसआई और हृदय आए हुए हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं। सुकुमार का क्या हुआ? अमाउंट आ गया? आ गया भाई। उसको बेइज्जत किया? हाँ भाई। लोग हंसे क्या? नहीं भाई, सब लोग खुश हुए। बात करके देख, नहीं माना तो मार डाल, अगर मिस हुआ ना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। नमस्ते सर। वो क्या बोल रहा है? बोल रहा था कि बाप ने लिया, मैं क्यों भरूं? शादी हो गई क्या? नहीं भाई, लेकिन उसके घर पे एक लड़की है। तो उठा ले भाई, इसको उस लड़की से ज्यादा लगाव नहीं है। होना चाहिए भाई, मदी ने गन बदल लिया है। चल खड़ा हो जाओ, मार मार लो। सर आप अंदर जा सकते हैं। तेरे घर को गिरवी रखकर तेरे बाप ने 40 लाख लिए थे। सॉरी, अब तेरा बाप नहीं है तो फिर क्या करें, बोल। आपके पास कोई सबूत है कि आपने 40 लाख रुपए दिए हैं? जायदाद मेरे नाम पर है।
आपने पैसे दिए, इस बात का सबूत दीजिए तो मैं साइन कर दूंगा। क्या मदी सर, लड़का तो सबूत मांग रहा है। सर आप कुछ सोच कर कीजिए, मैंने इसको समझाया लेकिन ये समझा नहीं। अंदर आते समय खाली हाथ आना चाहिए, पता नहीं है तुझे। अगर पैसे नहीं दिए तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तुमने यहाँ बुलाकर मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं पैसा नहीं देने वाला। रोना बंद कर दीजिए। अरुण कुमार साइन कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए, कर दीजिए साइन कर। देख रहा है इसकी हालत, कर दीजिए। मदी गाना अपने पास रखो, सबूत तैयार हो गया है, लेकर जाओ। है जाने के लिए बोला, चलो। लौट के आवा गन तूने से क्यों दिया? नहीं सर, वो सेफ्टी के लिए। किसकी सेफ्टी के लिए? जाओ। चलो रे, इस लोन में जीएसटी नहीं लगेगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। भैया भैया क्या हुआ भैया? बचत योजना के नाम पर 4,000 रुपए लिया था, बोला था 40,000 अकाउंट में आएगा, वो अभी तक आया नहीं भाई। अरे क्या तेरा सेंक्शन नहीं हुआ? तेरा साथ वाला मूर्ति गणपति सब लोगों का सेंक्शन हो गया है। मेरा भी कराओ ना भाई। तो आकर मुझसे मिलना चाहिए था ना। कहाँ आकर मिलना है? आपका कोई सही एड्रेस है क्या? हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। देखो तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरे पास आना चाहिए था ना, अभी मैं दूसरी बचत योजना में बिजी हूँ और तुम मुझसे पुरानी बातें कर रहे हो। एक मिनट। हाँ हेलो, विदेश योजना के बारे में बताओ, विदेश बचत योजना शुरू हो गई है। भैया मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। हाँ सुनो, इस योजना में कितने पैसे डालने पड़ेंगे? मैडम दो दिन के बाद आपके घर में वेरिफिकेशन के लिए आ जाएंगे, ठीक है? ओके, कब आएंगे? आने से पहले कॉल करेंगे। ठीक है। नाम क्या है आपका? रेनू मैडम, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हैं। हाय। हाय। रिन्यूअल करने आए हो? नहीं, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारा और मेरा जरूर कोई कनेक्शन है। दिखाइए। ये लीजिए मैडम। कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कैसे बोल रही हो? वेट कीजिए प्लीज। ओके, लाइफ में कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है, तुम लड़कों को नहीं लगता क्या? Actually, तुम करती क्या हो? कुछ नहीं, मैं ना पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। इसे बनाए ना पूरे 10 साल हो चुके, अब तक एक स्टैम्प भी नहीं लगा। तब तो तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन है। वो कैसे? तुम पूरी दुनिया घूमने की ख्वाहिश रखती हो और मैं अपने गांव घूमकर देखना चाहता था। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? वहीं रहना चाहिए था ना। पैसे चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन यहाँ आकर जो सोचा वो हुआ ही नहीं। क्या कर सकते हैं, मिडिल क्लास का हूँ ना। हम जैसा सोचे वैसा ना जी सके, उसी का नाम मिडिल क्लास है। भाई आपने अप्लाई कर दिया ना, चलो अब जाओ। देखा ना, बात भी नहीं करने देते। मीरा यहाँ आइए। अब तो खुश ना? आपकी मार्कशीट कहाँ है? इसी में है मैडम। यहाँ किसका वेट कर रहे हो? कोई आने वाला है क्या? पालियम कुट्टी से एक लड़की पासपोर्ट के लिए आई है, उसी का वेट कर रहा हूँ। तुमने कभी किसी लड़की के साथ ट्रैवल किया है? नहीं तो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी पसंद की लड़की अब तक मुझे मिली नहीं है, लेकिन अब मिला हूँ। अब तुमने किसी लड़की के साथ ट्रैवल किया है? हाँ किया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं याद रखूँ। ओ, तुम्हारे गांव का कोई लड़का अगर तुमसे प्यार करेगा तो तुम्हें ओके है क्या? मुझे प्यार व्यार पसंद नहीं है, लेकिन गांव के लड़के पसंद है। Thank you.
तो बताओ अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो? कैसे जीना है मतलब, अब मेरी माँ की इच्छा है कि गांव में उनका एक पक्का मकान हो, वो घर बना कर देना है उन्हें। मेरे लिए एक छोटी सी कार और लगभग 40 की उम्र तक कमा कर गाँव में सेटल हो जाना है। बस इतना ही? हाँ इतना ही। और कोई बड़ा प्लान नहीं है? बहुत क्या? है अभी भी एक प्लान है, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें बता सकता हूँ क्या? इतना मत सोचो, बता दो मुझे। अभी तुमसे प्यार करना है, तुम्हें क्या पसंद है ये जानना है, मुझे जो जो पसंद है वो तुम्हें पसंद होना चाहिए। इन सबसे पहले तुम्हें ओके बोलना होगा। मैंने अगर हाँ भी कर दिया तो अभी मेरे साथ जिंदगी नहीं बिता पाओगे। क्यों? ए, मुझे ना ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है, और तो और मुझे ये शादी वादी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब कैसे बताऊं, मैं ना पूरी लाइफ ट्रैवल करना चाहती हूँ। क्या सोच रहे हो? हे इट्स ओके, लीव इट, चलो चलते हैं। नहीं तुम जाओ। ए, मुझे ड्रॉप तो कर दो यार। मैं कैसा आदमी हूँ पता है तुम्हें? जब चेन्नई में नया आया था उस वक्त रोटी के साथ दाल मांगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे कोई मांग रहा था तो मेरे खून करने की नौबत आ गई थी। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। छी बोलिए अंकल जी। इसमें देखो बेटे, कितने साल हो गए हैं, आप ऐसे रह सकते हो क्या? बोलो, बिना शादी के आप उसे 10 साल ढूंढ सकते हो क्या? ऐसा नहीं है अंकल जी, हम भी तो ढूंढ ही रहे ना। जब भी पूछता हूँ तुम यही बोलते हो मुझसे। जितनी कोशिश होनी चाहिए हम कर रहे हैं ना। तुम लोग जो कोशिश कर रहे हो ना सब दिखाई दे रहा है मुझे। सब कुछ सेट करके कार भी तुम्हारे हवाले करके चला गया है। ठीक है तुम खुशी से रहो। पापा ऐसा मत बोलिए आप, इनकी तकदीर में ये गाड़ी चलाना लिखा है तो क्या कर सकते हैं? अब आए हैं तो हाल चाल पूछिए और जाइए यहाँ से। भाभी ये दुखी है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, आप गुस्सा मत कीजिए ना। तो चुप कर करण, वो तेरे भाई है तो मेरे पति भी है, हमसे ज्यादा क्या इनको फिक्र है। आप जाइए जाइए पापा। संधि जी ये मेरा गाँव नहीं है, हम यहाँ कमाने आए हैं। अगर फंस गए तो यही हमारा गाँव तेनकुड़ी होता ना। बड़े चाचा गलती करते तो छोटे चाचा पकड़ लेते थे, लेकिन हमने खो दिया इसलिए हमें जवाब देना पड़ रहा है। उसके लिए हम सब ऐसे मर नहीं जाएंगे, इसका कोई ना कोई उपाय निकाल के रहेंगे। फोन का आविष्कार क्यों किया पता है? घर में प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं उठाया, अभी आ गया ना। चलो तुम हमेशा ऐसे झूठ ही बोलते रहोगे। मैं किसी के लिए सच्चा नहीं हूँ, तुम पहले गाड़ी में बैठो। गुस्से में क्यों हो? बच्ची के लिए ड्रेस लेना है कह रही थी, तो फिर चलते हैं ना भाई। कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तो ठीक है पैदल चलकर जाओ। ए, ए मृदुला, ए, अरे मैं मजाक भी नहीं कर सकता क्या तुमसे? ये कैसा मजाक है, मैंने फोन किया तुमने फोन नहीं उठाया, पूछ भी नहीं सकती क्यों नहीं उठाया? गुस्सा मत करो, अभी पूछता हूँ फोन क्यों किया था। वो पार्टी वाले प्रभाकर ने फोन किया था, तूने फोन नहीं उठाया। क्यों फोन किया था? भैया के लापता होने के दिन जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी उसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ है। कौन है तुम लोग, कोई रिश्ते में है क्या? तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो, चलो जाओ यहाँ से। है जाने के लिए बोला ना, चलो जाओ। ए चंदन, ये कौन सी जगह पता है? अपना मेन बाईपास है ना, उसके लेफ्ट में है यार। लोकल में कोई एम्बुलेंस है तो इंतजाम करो। जिंदा है कि मर गई? मर गई है, कोई इशू नहीं है, बट इमीडिएटली क्लियर करना होगा ना। ये मेरा 25वां ब्रांच है, लाखों लोग हमारी कंपनी से लोन लेकर बहुत खुश हैं। यूएम फाइनेंस का पैसा देकर ब्याज लेना हमारा लक्ष्य नहीं है, किसी को तकलीफ ना हो और उन्हें खुश करना ही हमारा लक्ष्य है। अब हमारी फाइनेंस कंपनी के बारे में मिस्टर अरुण कुमार विस्तार से बताएंगे। नमस्ते। सबको मेरा नमस्कार। सुनिए, चंदा के नाम पर आप लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, थोड़े दिनों में आपस में झगड़ा हो जाता है, परिवार में लफड़ा होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर किसी को अलग अलग देंगे, समझ गए ना? हाँ, समझ गए।
तो अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि हम चंदा चला रहे हैं, आप लोग कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। ये ब्रांच मेरा ही है, मैं ही इसे संभालता हूँ। ये ब्रांच मेरा है मतलब पूरी तरह से मेरा नहीं है। रुद्रा साहब जो बोलते हैं हम लोग वैसा ही करते हैं। रुद्रा, तुमने जिस लड़के को मारकर साइन करवाया था ना, लगता है वो बाबू जैन के पास गया था। अभी केस पुलिस स्टेशन से निकलकर कमिश्नर ऑफिस में चला गया है, उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मैं अभी अभी करके ही आ रहा हूँ, और बताओ। और क्या, 3 किलो गोल्ड बाबू जैन के लॉकर में ठूसने के लिए जा रहा हूँ, मिलाओ तो कुछ बोलना है क्या? इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ डीसी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लगे रहो। इडियट। क्या देवा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? फंक्शन खराब मत करो, जल्दी से खत्म करो। मैंने बोला था ना, ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, देख लिया ना? चुपचाप जाकर उसके पैर पर गिरकर माफी मांग ले। इसकी मौत तो अम्बातुर ब्रिज पे हुई है, लेकिन तेरे लिए पता नहीं कौन सा ब्रिज होगा। क्या बात है मदी? असाइनमेंट करने वाले नए लड़के हैं। क्यों? कार से कुचल दिया है। क्या बोल रहा है तू? लड़कों को समझा दो भाई, डॉक्टर मुझे टॉर्चर करेगा। भाई ब्याज कितना है? देखिए वैसे ज्यादा तो नहीं है, आप चंदा में कितना भरते हो? अगर मैंने 50,000 लिया, हर महीने 6,500 भरा तो 10 महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही है, वहाँ पर आप 10 महीने तक भरते हो और यहाँ पर 15 महीने भरना है, बस इतना ही। 50,000 भी दोगे? अरे हाँ, 50,000 और क्या। कभी भी मांगेंगे तो दोगे क्या? अरे रात को 12 बजे फोन करेंगे तो मैं यहाँ पे सोया रहूंगा क्या? सुबह 10 से 6 बस। नेपोलियन कहाँ है? मदी भाई ने फोन किया था, मौचरी डॉक्टर से मिलकर पैसे देने गए हैं। गलत है यार। क्या यार, तुम लोग भी लड़की को उठाते हो, हफ्ता वसूल करते हो। मैं इसे गलत नहीं बोलता, क्योंकि तुम लोगों से कभी भी धर्म और न्याय की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर इस तरह खाकर रोड पर फेंक दोगे तो 2-व्हीलर चढ़ेगा, कार चढ़ेगी, लॉरी चढ़ेगी और वो लोग तहकीकात करेंगे, और ये गलत है। ऐसी बात नहीं है भाई। अगर रॉबर्ट होता ना तो यही काम सफाई से करता, उसके जैसा यहाँ कोई नहीं है, उसी के जैसा किसी को तैयार करना होगा। यहाँ कोई मुसीबत है क्या? फंक्शन आधे में छोड़कर आ गए? यहाँ कोई मुसीबत नहीं है, मुसीबत तू है। 8 साल पहले जब तू मेरे पास आया था तो मैंने सोचा तू हमेशा वैसा ही रहेगा। बिना दर्द के दिल में चोट तूने पहुंचाई। नहीं 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 रुद्रा, ऐसा नहीं है। ए, भाई को क्या बोला? तूने बोला था मेरा ब्रांच है, सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी गलत हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था रुद्रा। अरुण कुमार, तेरा और मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। क्या रुद्रा, इनसे जैसे बात करते हो मुझसे कर रहे हो? hey, तुम सब मेरे लिए एक जैसे हो, याद रखना। वो दिखाइएगा जरा। ये वाला? नहीं, उसके ऊपर वाला, वो ब्लू वाला। जी अच्छा, ये देखिए, बहुत अच्छा है। ये कलर मेरी माँ को बहुत पसंद है। बहुत अच्छा है ना, इसे ले लेते हैं। सुनो, पैसे है ना, इसी के लिए जमा किए थे। हाँ क्यों? कुछ नहीं, यही दे दीजिए। ठीक है सर, आप काउंटर पे जाइए, भिजवाता हूँ। हाँ सुनो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए भी कपड़े लेंगे। इसके लिए तुम्हें अपना पर्स ओपन करना पड़ेगा। आओ, ये पैक कर दीजिए। चलो चलते हैं। ठीक है दादाजी। सुनिए मैडम, 950। अपने बर्थडे पर नए कपड़े पहनने की जिद कर रही थी कीर्तना, तो ससुर जी लेकर आए थे। तुम जाओ ना करण, मैं देख लेती हूँ। साथ में चलते हैं ना भाभी। क्यों रे, तेरे भाई को ढूंढने का यही तरीका है? उसको किसने कहा था कार खरीदे? दवाइयों का बैग लेकर घूम रहा था ना, एक मेडिकल शॉप खोलकर सेटल हो जाता। अगर तू उस वक्त महीने के 10,000 रुपए कमा कर देता तो वो मेडिकल शॉप खोलकर सेटल हो जाता ना। तो उसकी वजह मैं हूँ क्या? और नहीं तो क्या, तू ही है उसकी वजह, और कौन हो सकता है? क्या उसको कहीं से ढूंढ कर आपके सामने खड़ा कर दो, इतना ही ना। तू ढूंढ लेगा, अगर तू ढूंढ लेगा ना तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। तू सिर्फ उसको मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दे, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। मतलब आपको लगता है कि मैंने अब तक कुछ नहीं किया? यही कर रहा है ना तू, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, और क्या, तूने कैसे कुछ नहीं किया। ए, तू इसको लेकर जा। हाँ।
चलो। सुनो ना, तुम अपने घर जाओ, मैं माँ से कहती हूँ तुम्हारे पिताजी से बात करने। भैया के आने पर सब ठीक हो जाएगा ना? मेरा भाई ना कहीं आना जाए, मुझे तकलीफ में देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए भाग गया वो। अभी तुम घर जा रहे हो या नहीं? चाची, सॉरी चाची, मैं नई ड्रेस के लिए रो रही थी। मैं ही तुम्हारी चाची हूँ, तुम्हें कैसे पता? मेरे चाचा ने अपने फोन में आपकी फोटो दिखा कर कहा कि आप ही मेरी चाची हो। करण तुम्हें पसंद करता है ये तो मुझे पता था, पर इतनी जल्दी चोरी पकड़ी जाएगी ये नहीं पता था। तुम करती क्या हो? मैं स्कूल में काम करती हूँ। करण भले ही कोई काम न करे, लेकिन इसे कॉल टैक्सी चलाने मत बोलना। चले बेटा। पैसा नहीं कमाऊंगा तो चलेगा क्या? उसके बाद छोड़ दोगी ना? एक तो हमने इतनी हिम्मत से किया, इसे ऐसे छोड़ दें क्या? इसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। ये हमारी अपोजिट पार्टी है, गुस्सा आना चाहिए ना। भाई कोई रिएक्शन नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन हमारे पास आकर जॉब कर रहा है। हृदय, तू अंदर क्यों आ रहा है? कोई और प्लान है क्या? सब कुछ तो खत्म हो गया ना, अब क्या है? इनकी बेटी की शादी है, 5 लाख रुपयों की जरूरत है, इसीलिए इन्हें लेकर मैं आया हूँ। तू कौन है, इनका मीडिएटर? नहीं नहीं सर, मैंने हर जगह चक्कर लगाकर देख लिया, सब लोग बोलते हैं आईटी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा नहीं दे रहा है साहब, आप ही मेहरबानी कीजिए ना साहब। hey! अरुण कुमार, दे दो इन्हें। और क्या चाहिए तुम्हें, बोल दो, हो जाएगा। कुछ नहीं भाई। गले में मंगलसूत्र पहनाने से 1 घंटे पहले आना चाहिए। दे देंगे साहब, पक्का दे देंगे। इसने बोल दिया ना, अब जा सकते हो। ठीक है सर। भाई मेरे भरोसे मत दीजिएगा, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, अगर उसने नहीं दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी तरह जब तेरे बाप को पैसे चाहिए थे तो रॉबर्ट ने जिम्मेदारी लिया था, और मैंने इसी जगह पर बिना किसी सबूत के उसे दिया था। कुछ तो दिमाग लगाया कर भाई। मुझे आपके साथ काम करना है भाई। लेकिन क्यों? मैं एक अनाथ हूँ भाई, गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। तू कितना बड़ा सेल्फिश है रे। हे एम्पायर, उसे तकलीफ क्यों दे रहा है? क्यों, मैं उसे तकलीफ दे रहा हूं तो तुझे क्या है? ये जीने की ख्वाहिश रखता है, चल। भाई मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा हूं, बस मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, तू उसका जवाब दे दे। एक आदमी ने पैसों के लिए तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, उसके साथ तू काम कैसे कर सकता है? बस इसका जवाब दे दे। अंपायर, आने के लिए बोल रहा हूं ना। तेरे घर में कितने लोग हैं? माँ और मैं। क्यों? तेरी माँ के मरने के बाद जब ये सवाल तेरे अंदर आएगा तब मुझसे पूछना। बोलो भाई। वादी का मैटर अरुण कुमार को डील करने के लिए कहा था, लगता है लड़के ने कुछ किया है। जाकर देख वहां। कौन लड़का भाई? अरे वही हृदय। कब देगा? सिंगल पड़ का अपार्टमेंट अब तक सेल नहीं हुआ है भाई, अब बताओ क्या करूं। आदि, तूने जो फ्लैट बनाया उसकी कीमत है 40 लाख, और मैंने तुझे सिर्फ 4 लाख रुपए दिए, इसका उससे कोई संबंध है क्या? पैसा नहीं आया है, अगर आता तो देता नहीं क्या? बोल रहे हो पैसा नहीं है, और नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया, इसके लिए पैसा कहाँ से आया? ए, क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? पापा तुमको टाइम पर ब्याज तो दे रहे हैं ना, बाकी पैसे बचे वो दे देंगे। क्या कर रहा है? चुप बोल, मतलब सुनता क्यों नहीं है तू? हे, तेरा बाप जिस तारीख को पैसे देने के लिए बोला था दिया क्या? नहीं सर। तो आवाज ऊंची ही आएगी, तो चुपचाप ही रह, अब जा। पापा क्या करे पापा? आदि, कल पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। चलो। ये ले, ये पैसा हॉस्पिटल के खर्चे के लिए है। बोला था फ्लैट बिकते ही पैसे दे दूंगा,
फिर मेरे बेटे का हाथ क्यों काटा? टाइम की कीमत होती है नादी, वही हमारे लिए सब कुछ है। अगर तूने टाइम पे रिटर्न कर दिया होता तो ये सब नहीं होता ना। ए, तुम लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम लोग कुछ भी करोगे क्या? आदि, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ये तू अच्छे से जानता है, और तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए, इसके हाथ का क्या जवाब है तेरे पास? ए, पहले लिया हुआ पैसा वापस कर, उसके बाद अपने आप हाथ उठ जाएगा। अबे इन्हें पैसे क्यों दे रहा है? इन्हें खत्म कर। ठीक है भाई। ए, मोबाइल स्विच ऑफ करो, हैंडबैग यहाँ रख कर जाओ। स्वामी से ले लिया क्या? हाँ। संदना भारती से पिछले महीने क्यों नहीं लिया? उसका बाप मर गया था इसलिए वो गांव चला गया। उसके मरने से पहले उससे पैसे लेकर आ, चल जा। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। कौन सा एरिया है? अन्ना नगर। बिजनेस के लिए या पर्सनल? बिजनेस के लिए, चेक कर लीजिए प्लीज। 1 से 10 तारीख के बीच में आ जा, जा। मुझे मिलना है उनसे। वो ब्याज देने वालों से नहीं मिलते हैं। नेपोलियन मजाक मत कर, मैं बहुत गुस्से में हूं। चल। ए, तेरे बोलने की वजह से उन्होंने दिया ना, कल मुझसे पूछेंगे तो। भाई जाकर मार कर ले लेते हैं। कुछ भी कर तू। नेपोलियन ये एक पार्टी को लेकर आया था, सेटलमेंट है, अभी तक आया नहीं। चल वेट करो। हा? ये तुमसे लिया हुआ और ये मेरे बेटे को हॉस्पिटल खर्चे के लिए जो तूने दिया था। रुद्रा, हर इंसान एक ना एक दिन बेइज्जत होता ही होता है और मेरी वजह से वो दिन आएगा। भाई से कैसे बात कर रहा है तू? हृदय। ए, जा। तू ऐसे रुक क्यों गया? हाँ, जिसने हाथ काटा वही गला काटेगा क्या? भाई अपने दुश्मन को अपने पास रखे हुए हैं, जो मुझे करना वो ये करेगा क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, लेकिन आप जब हृदय कहके बुलाते हैं ना तो यहां यहां दर्द होता है। अरे भाई आज उसकी शादी है ना, लगता है उससे ज्यादा तुझे दर्द हो रहा है। भाई जब आप मेरे साथ हो तो मुझे उसका दर्द क्यों होगा? दर्द इसका है। ए, बात कर रहे हैं ना, जा। भाई जिंदगी में शादी जरूरी है क्या? ठीक है मुझे छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको, आपको तो ख्याल रखने के लिए चाहिए ना। तो ख्याल नहीं रखेगा? मैं आपको संभाल लूंगा भाई, लेकिन आपको शादी नहीं करनी है क्या? अरे क्या रखा है उसमें भाई, हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपना ख्याल रखने के लिए किसी और की क्या जरूरत है? हा? तो मतलब शादी नहीं करोगे क्या? सारे रिश्ते यूज एंड थ्रो जैसे होते हैं, जब तक जरूरत हो यूज करो, जरूरत खत्म तो फेंक दो। भाई क्यों भाई, आपका कोई नहीं है, आप अकेले जी रहे हो, तकलीफ नहीं होती क्या? किसी के बिना अकेले जीने में एक अलग तरह का आजादी मिलता है, तू भी ऐसा करके देख, अच्छा लगेगा। यानी ये बिजनेस करने वालों का भेड़ बकरी की तरह ख्याल रखो, और जब अपना काम निकल जाए उसकी जरूरत ना बचे तो उसे काट कर खा जाओ, यही है ना भाई? बिल्कुल सही बोल रहा है तू, लेकिन यह थोड़ा अलग है। तूने कभी ध्यान दिया है, भेड़ बकरी जो होते हैं वो कभी भी खाना कौन दे रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान सिर्फ खाने पर होता है क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ खाना है। उसी तरह इंसान भी है, इंसानों का लक्ष्य भी खाना ही है। सच्चाई तो यह है, ये प्यार, ये रिश्तों का एहसास, सब कुछ खाने के कारण ही है। भाई मेरे लिए तो भेड़ बकरी का रिलेशनशिप ही अच्छा। लेकिन भाई मैं आपकी तरह नहीं जी सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बकरा नहीं हूं ना, मेरे लिए खाना देने वाला भी जरूरी है और क्या दे रहा है ये भी जरूरी है। आता हूं भाई। सारे रिश्ते यूज एंड थ्रो जैसे होते हैं, जब तक जरूरत हो यूज करो, जरूरत खत्म तो फेंक दो।
कितनी बार तुमसे बोला है सुबह सुबह वो कपड़े मत पहनो जो मुझे पसंद है। बिना यूज किए कोई चीज ज्यादा दिन तक रखो तो पुरानी हो जाती है और देखने का मन भी नहीं करता है। बताओ तुम मेरे साथ क्यों हो? तुम्हें पसंद करती हूँ ना। और कितने दिनों तक मेरे साथ रहोगी? जब तक तुम बोर ना हो जाते तब तक। लो मैं तुमसे बोर हो गया, अब क्या करोगी? तो मैं चली जाती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। मैं मजाक कर रहा था। वो लोग पैर पकड़कर रहम की भीख मांगेंगे, उनको छोड़ना मत भाई। बोलो माँ। बेटा हमेशा एक तारीख को पैसे भेज देते थे, इस बार भूल गए क्या? नहीं माँ, वो पैसे हाथ में ही है, अकाउंट में डाल के बताता हूँ। हाँ निकाल लेना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ साहब एक घंटा रुक जाइए, शादी होते है पैसे का इंतजाम कर देता हूँ। ए पैसे लेते समय क्या बोला था? मंगलसूत्र पहनाने से एक घंटे पहले दूंगा, बोला था ना? अभी भी वही बोल रहा हूँ साहब, एक घंटा वेट करने के लिए कह रहा हूँ, एक दिन थोड़े ना बोल रहा हूँ साहब। बैठ जाइए ना। भाई भाई इन्हें क्यों रहे ना भाई? जब पैसे चाहिए थे तो आराम से लेकर चला गया और वापस करने के टाइम पे नाटक कर रहा है। चल पैसा निकाल निकाल। साहब थोड़ा वेट कर लीजिए साहब, साहब अभी दे दूंगा। मैं बात करता हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि बात करता हूँ। उसकी वजह से मेरे पे हाथ उठाएगा? ए, तुझे लाने के लिए बोल रहा हूँ, इधर ही खड़ा है। नेपोलियन क्या कर रहा है तू? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। चलो भाई चलो सोचो। ए चलो रे आओ। बेटा उसकी मर्जी से यह शादी हो रही है, आप कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। पता है मैं गलती से इधर आ गया। बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं रेडी करके ले आता हूँ। नहीं आओ ना बेटा, आओ आओ अंदर आओ ना बेटा, आओ ना। सुनिए। हाँ बोलो। मैंने आपको कहा था ना मैं किसी से प्यार करती हूँ, यही है वो लड़का। अच्छा तो ये वो है। अंकल आंटी आपको बुला रही हैं। भाई एक सेल्फी। अच्छे लड़के के आगे ये प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखता। ब्रदर अंकल को अमाउंट दे दिया है, तुम लेकर जाना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम नहीं आता तो आज पता नहीं क्या होता। ए तूने ऐसा क्यों किया यार, चल जा। हमने जिस सुकुमार के साथ सेटलमेंट किया था वो वापस अपनी पार्टी के साथ लफड़ा कर रहा है। मेरी ताकत क्या है वो शायद भूल गया है, हमने उसके लिए क्या नहीं किया। लगता है अब कुछ बड़ा करना होगा। भाई उसके एरिया में नहीं करते हैं, बाहर लेके जाते हैं। ठीक है लड़कों को लेकर जाओ। ठीक है भाई। मैं उसे पसंद करता हूं, इसके अलावा मेरा और कोई संबंध नहीं है भाई। अरे जानता हूं, जाओ। पकड़ पकड़ बांध इसे। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है सुकुमार, तेरे साथ भी मैंने किया था, लेकिन सोचा नहीं था भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। इतनी जल्दी?
भाई तेरे साथ ऐसा करेंगे तूने सोचा नहीं होगा ना, प्लानिंग है, मुझे पता है रे। ए, हम सब कहां पर हैं ये बात हमेशा याद रखते हैं, लेकिन हम कौन है ये बात भूल जाते हैं। अभी ये बात हम दोनों याद रखते हैं, ठीक है? हृदय, इसको उठाकर लेके जा। क्या रे नेपोलियन, बहुत दर्द हो रहा है ना? भाई को बोलना मैंने गलती नहीं की है। दर्द हमेशा एक जैसा होता है। ठीक है भाई, ए, चल 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 जल्दी चल। मेरे कागज दे दीजिए और ये ले लीजिए। सिर्फ 15 लाख देकर कागजात मांग रहा है तू? क्या मैंने गलती की जो तुझे दुकान चलाने दिया? ये चलाने के लिए मैं 15 लाख रुपए दे रहा हूँ, अब इसके लिए मैं चोरी करूँ क्या? वो डॉक्यूमेंट दे दो, बैंक में दे करके मैं सारा सेटलमेंट कर देता हूँ। तो फिर मुझसे क्यों लिया? बैंक से ले लेना चाहिए था ना? तब आईटी नहीं था ना, अब मैंने रेडी कर लिया है। तेरी बातें सुनकर मुझे बाबूजी याद आ रहे। चाहे जो भी याद आए, पैसा मिल गया ना, चलो निकलो यहाँ से। तूने मुझे आने पर मजबूर किया नेपोलियन। चुपचाप खड़ा रहे, अब तू इसी जगह पर भीख मांगेगा। तेरे प्लेट में 10 मिनट में 10 रुपए होने चाहिए, नहीं हुए तो तू नहीं होगा। चल मार दीदी, आपके भाई को मार रहे हैं। चल चल बैठ जा, भीख मांग, भीख मांग, चल भीख मांग। अरे माई बाप, भगवान के नाम पे दे दो। ये बीच रोड पे गाड़ी किसकी खड़ी है, साइड करो इसे। नमस्ते सर। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? अबे मांग रहे माई। ए, क्या है भीख? जा। पैसे मैं दे देती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। तेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन तूने मेरा साथ देकर मेरा सब कुछ बन गया। मुझे लगा था लड़की के मामले में तू मुझसे आगे रहेगा। हे, अरे वो तेरी नहीं है, छोड़ दो उसे किसी और मर्द के लिए। भाई उसके बारे में ऐसा मत बोलिए। हे, तेरी ही मदद करने के लिए मैंने प्लान बनाया और उसके बाप को पैसे दे दिए और तूने अपने लड़कों को ही मारा। भाई अब गलत सोच रहे हो, जिसने तुझे छोड़ दिया उसके लिए तू ऐसा कर रहा है, तो फिर इस रुद्रा के लिए क्या करेगा? मैं अपनी जान दे सकता हूं। अरे 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 अरे, हे नेपोलियन, कोई और वजह है क्या? भाई अगर इसके लिए मैं वजह बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, आप चले जाओ भाई। अरे क्या कर रहा है तू? भाई चिपकाना है ना इसको। वो तो प्यार में अंधा है, तू क्यों नाटक कर रहा है? मुझे लगा भाई कहीं इसमें स्क्रैच ना आ जाए। ए ए ए ए ए ए, चल बाहर चल, तू यहां से निकल निकल। अब तू ये डिसाइड कर ले कि तुझे अपनी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए।
उसके बाद काम शुरू कर। क्या बोल रहे हैं आप? 50 लाख रुपए उज्ज्वला अंबातुर ब्रांच से आज ही सुकुमार को ट्रांसफर हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं चेक करती हूँ। जल्दी से ढूंढ। कहाँ रखा था, कुछ याद है? लॉकर रूम में ही रखा था। मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया था। जिस वक्त मैं नहीं था तब कोई आया था? आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं थी, तो कौन आ सकता है यहाँ? तुम्हें ढूंढते हुए कोई आया होगा। मुझे ढूंढते हुए कोई क्यों आएगा यहाँ? मुझे घबराहट हो रही है। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है? हाँ बाबा, बहुत ही ज्यादा। सांस फूल रही है मेरी। अब उसी तरह लॉकर रूम से बाहर आ जा, अपनी आंखें बंद करके। लो आ गई। पीछे टेका लगा लो। हाँ लगा लिया। आपने डरा दिया मुझे। और अब? अब ठीक है। ऐसे वक्त में डरना नहीं चाहिए, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, बाद में कुछ हम मस्ती करेंगे। रात को आता हूँ। रुकिए ना, मुझे अभी चाहिए। कुछ पाने के लिए कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, तो मजा बहुत आता है। अच्छा, और मेरी पसंद का क्या बोलो? अच्छा चलो। आइए भाई। रुद्रा इसे देख कराने के लिए बोला, इसलिए आया। वरना नहीं आते क्या? नहीं, मैंने अब तक तुम्हें रुद्रा के साथ नहीं देखा, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और ऐसी कोई बात नहीं है। यही रुद्रा का प्लस है, कब कौन किस वक्त उसके साथ था किसी को पता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो यूज कर लेता है। ऐसा लग रहा रुद्रा को तू जानने वाला अकेला ही है इस दुनिया में। भाई वो सब खुद की समझ से जीने वाले लोग हैं, सुनते वक्त देखते वक्त जो मन में आता है वो करके निकल जाते हैं। कैसे कह सकते हो? तुम और मैं इतने साल से उसके साथ में हैं, अभी तक उसको पार करके उसकी फैमिली और उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा भी डिटेल तुम्हें या मुझे पता है क्या? हम सब UM फाइनेंस के ओनर नहीं है भाई, ये जो चमचे होते हैं ना, हम भी उन्हीं के जैसे हैं, बस इतना ही है। वो सब छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, तेरे लिए कुछ करना है क्या? क्यों, उस नेपोलियन को मारा इसलिए? क्यों भाई, तेरा मेरा अलग करके बात कर रहे हैं। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो उसको वापस रुद्रा के पास कभी मत आने देना। ए, इतना सब कुछ हो गया, अब वो रुद्रा अपने पास बुलाएगा क्या? बुलाएंगे भाई, तुम्हारा और मेरा एक प्रॉब्लम है, तुमसे और मुझसे कोई लफड़ा ना करे, अगर ऐसा रुद्रा ने सोच लिया तो उसको जरूर वापस बुलाएगा। कितने सालों से उसके साथ हो? 5 साल से ज्यादा हो गया, उसकी वजह से मैं नेता हूँ, इसलिए उनके बारे में अनजान नहीं रहना चाहिए ना। सुकुमार तू मुझे ताना मार रहा है कि इतने साल के बाद भी मैं उसे नहीं जानता। भाई तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए इतने साल तक तुम उनके साथ हो। जाओ ना भाई। सलाम सर। सोलह है। सोलह? बाबू भाई से बोले कि मैं आया हूँ। ए, पहले तू कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, ये सारी जानकारी मुझे दे, फिर मैं अंदर जाकर बताऊंगी। सब कुछ तुझे यहीं बता दूंगा, तो बाबू भाई से क्यों मिलने आया हूँ? जा बोल नेपोलियन आया है। सर नेपोलियन? जाओ अंदर भेजो। ठीक है सर। बाला भाई, सर इनको अंदर बुला रहे हैं। भाई अंदर जाओ। क्या नेपोलियन, हाथ कैसा है? ठीक हो गया भाई। पैसों की कोई जरूरत है? नहीं भाई। फिर यहाँ क्यों आया है? अन्ना नगर एरिया में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है भाई, 1 करोड़ कीमत है। पार्टी को 50 लाख बोला है, 5% मेरा है भाई, आपको जितना चाहिए लेकर बाकी का मुझे दे दीजिएगा। अपने धंधे के बारे में तुझे सब पता है नेपोलियन, थोड़ा टाइम देना। क्यों बाबू भाई? तू रुद्रा का खास आदमी है, गलत नहीं होना चाहिए ना। भाई आप अपने लड़कों को बिना वजह मार के भगाएंगे क्या? मैं ऐसा काम कभी नहीं करता, बिना गलती के मैं किसी को नहीं मारता। तो गलती मेरी है? तूने गलत नहीं किया है नेपोलियन, लेकिन तू जो है वो रुद्रा की वजह से ही ना। तुझे धमकी देकर मैं कोई काम करवा सकता हूँ क्या? मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए काम लेके आया हूँ, वो काम करके दो। सोचता हूँ नेपोलियन। आप सोचने वाले हो या उनसे बात करके बताओगे? वो सब तू मत सोच, अगली मीटिंग में तुझे फाइनल कर देता हूँ, चल जा। मैं तेरी तरह उसके सामने शर्माऊंगी नहीं, सीधे बात करूंगी। हाँ ठीक है चल।
अरे राम प्रसाद अपनी गाड़ी लेकर गया क्या? हाँ लेकर गया, बोला शाम को आएगा। क्या? मीरा बोल रही है, उसके मोबाइल पे टॉप अप करवाना है। भाई एयरटेल में 300 का टॉप अप मार दो। ए, कर दिया उसने। कर दिया? ये तो गलत है। मीरा बोल रही है उसे आउटिंग पर जाना है, तुम टैंक फुल कर दो। टैंक फुल कर दो। सर जीरो देखिए। क्या सर, टैंक तो ऑलरेडी फुल है, जाइए आप। ए, ऑलरेडी पेट्रोल टैंक फुल है। ए, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? तुमने पहले पूछा ही नहीं। ए, दूं क्या तुझे? मीरा बोल रही है। उस दिन सब कुछ खत्म हो गया था ना, अब क्या है? वो जो पासपोर्ट अप्लाई किया था वो आ गया कि नहीं ये पूछने आई थी। वो जानकर तू क्या करने वाली है? वो कहते हैं ना कि किसी के साथ ट्रैवल करना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। किसने बोला ये? मेरे पापा ने। उसी दिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, ये ट्रैवल करना, टच में रहना, करेक्ट करना, ये बोलकर पास मत आना। पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी क्या बताओ? पासपोर्ट क्या, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं ना। बोलो तुमसे होगा क्या? नहीं होगा ना, तो चलो जाओ यहाँ से। इसे लेकर जाओ यहाँ से। किसके लड़की पे हाथ डाल रहा है? तो इधर क्या कर रही है? मुझे ये वाली स्कूटी अच्छी लगी तो प्राइस पूछने आई थी। क्या रे, कोई पूछेगा तो बताएगा नहीं? भाई तो बता रहा था। कैसे, हाथ उठा के बताएगा? बेटी तुझे टू व्हीलर के लिए मना किया था ना, फिर क्यों खरीदना चाहती है? जाके गाड़ी में बैठ जा। ए, पपीते की पेड़, मेरी बेटी के साथ तुझे दोबारा देखा ना तो तेरी खैर नहीं, जा यहां से। कौन सा गांव है? पालम कुटिया। इसीलिए इतना घमंड है क्या? ऐसी बात नहीं है सर, आकर गाड़ी की कीमत पूछी, मैंने बोला 20,000 तो कहने लगी कि 2,000 में दे वरना दुकान बंद करवा दूंगी, इसलिए मैं। तो ऐसा क्यों कर रही है बेटी? 25 साल की हो गई हूँ मैं, मुझे कैसे जीना मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं अपनी लाइफ और ऐसे नहीं जी सकती, मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी। बेटा तेरे मालिक कहाँ हैं? हाँ अंदर हैं। ऐसे फोन करके पैसे दो, पैसे दो, परेशान मत करो यार। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ, चलो ओके बाय। अरे बेटा कैसे हो? अच्छा हूँ। एक छोटी सी मदद चाहिए थी। बोलिए ना। कह कि हमेशा उसे कार में आने की आदत डाल दिया है ना, लेकिन अब वो अकेले ही जाना चाहती है। तो मैं क्या करूं? एक नई स्कूटी खरीद कर घर पे दे दो ना। पूरे पैसे हाथ में है ना, तो आप एक काम कीजिए, अपने विली वाकम शोरूम चले जाइए, वहां जाकर ये पैसे दे देंगे ना तो आपको स्कूटी मिलेगी। बेटा मुझे शोरूम जाके खरीदना नहीं आता ना, तू अपने गांव का लड़का है, एक काम करना, एक अच्छी सी गाड़ी खरीद के दे दे, तेरी पसंद भी अच्छी होगी ना। सर आपका प्लान बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बहुत नीचे से आया हूँ सर, अभी मैं धीरे धीरे उभर रहा हूँ, तो मेरे पैर मत खींचिए। इस तरह से बात क्यों कर रहा? नहीं सर, आपकी बेटी की जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। ए, मेरी बेटी के बारे में बात मत कर तू, मेरी बेटी यहाँ आकर तुझसे एक नई गाड़ी की कीमत पूछ रही थी, बस इसीलिए उसे एक नई गाड़ी खरीद कर देना चाहता हूँ मैं। ए, आज के बाद तेरी नजर मेरी बेटी पे पड़ी ना तो तेरी लाश यहां से तेरे गांव जाएगी, याद रखना। आप बोलो तो भाई मैं शोरूम में जाके नहीं ले सकता है क्या? वो सब जानता है यार, मैं उसकी बेटी से प्यार करता हूँ या नहीं ये जानने वो यहाँ आया था। भाई उसकी बेटी प्यार करती है क्या? हाँ करती है। फिर वो क्यों लेकर देंगे, आपको देना चाहिए। हाँ बोलो। स्कूटी ले ली? कैसी स्कूटी? क्यों, मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए? तुम्हारे पापा आए थे लेकिन पैसे दिए नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा गाड़ी खरीदोगे ना तो वायलेट कलर की लेना। क्यों, वाटर कलर नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं।
हृदय से मिलना है। आ जाओ। नाम क्या है? कानन। नंबर बताइए। 9891484034। आगे जाकर लेफ्ट जाइए। आप हृदय कौन हो, क्या करते हो? मेरी दुकान है। काय की दुकान है? सेकंड हैंड बाइक सेल्स। कहाँ पर है? राजा जी रोड। राजा जी रोड मतलब बनिए की दुकान, वहां पर कहाँ पे? हाँ, वही लेफ्ट में। लेफ्ट में फल की दुकान है, वहां पे कहाँ पे? उसके अपोजिट में डायरेक्ट है सर। अपोजिट में तिवारी की दुकान है। हाँ वही है, वही है, वही दुकान है सर। तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। इस फाइल के सारे पेपर्स में साइन करते जाओ, चलो। हाँ क्यों, गाड़ी आ गई ना? हाँ गाड़ी नीचे खड़ी है। हाँ नीचे खड़ी है, लेकर जाओ। सर ये डाउन पेमेंट दुकान में आकर ले लेंगे। यहाँ पर नेपोलियन की इतनी इज्जत है? यहाँ पर किसी की इज्जत नहीं है, तेरी दुकान है ना, उस दुकान की इज्जत है। चल जा। ठीक है सर, आता हूँ। Hey, कौन है ये? भाई तिवारी का रेफरेंस दिया, उसकी अच्छा? बिल्डिंग में दुकान है। अरे इसे गाड़ी चलानी आती है कि नहीं? उस आदि से ब्याज के पैसे क्यों नहीं लिए? भाई आदि बाबूजन से मिल गया है। ऐसा क्या? हाँ भाई, हमने उसे मारा ना तो उसे टेक ओवर कर लिया। आदि को कोई भी टेक ओवर करे, मुझे क्या? अमाउंट अब तक क्यों नहीं आया? आपसे पूछकर करना है, इसलिए। वजह बताना मत सीख, लापता हो जाएगा। हृदय। हाँ भाई। अरुण कुमार को बोल आदि को उठाना है। ठीक है भाई। क्या यार, मैं इतनी डिटेल्स बता रहा हूँ और मुझ पर नाराज हो रहे हैं। डिटेल्स बोलने से क्या होगा, तुझे डिसीजन लेना नहीं आता? क्या डिसीजन लेना है रे? आदमी को उठाना चाहिए या फिर पैसे वसूल करने चाहिए, पर तेरे से दोनों ही नहीं हुआ। हा? तेरे डैडी को जरा भी अक्ल नहीं है, इसके पास से जाकर नई गाड़ी ले ली। ये तो उसके पास जाकर ही पूछना होगा। हे, गाड़ी का क्या हाल कर रखा है? ए, पागल। ए, चाबी दो ना, दो ना। ए, तुझे अकल नहीं है? नई गाड़ी को पूजा करके माला पहना कर रखी है और तू उसे निकाल कर फेंक रही है? ए, क्या है, झगड़ा करने आए हो? मेरी गाड़ी के साथ क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। ए चल ना। ये तुझसे प्यार करती है इसीलिए स्कूटी लेने आया था क्या? ये तुझसे सेट नहीं होगी, इसके पीछे घूमकर लाइफ वेस्ट मत कर। गाड़ी के पीछे भाई का फोटो लगाकर लापता हो गया लिख दे और फोन नंबर भी लिख देना। इस तरह से कौन ढूंढता है यहाँ? मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? मैं गाड़ी साफ करूँ या नहीं? सुन बेटा, अगर तुझसे नहीं होगा तो बोल दे। मुझसे नहीं होगा, आपसे होता है तो कर लो। इतने सालों से आप रह रहे हैं, आपकी पहचान में कोई है क्या? अरे ये अपना गाँव है क्या? पता है ना, तो फिर शांत रहिए। मतलब तू खुद से कुछ नहीं करेगा क्या? कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। कुछ करने के लिए पता होना चाहिए ना कहाँ है। क्यों मेरी जान खा रहे हैं आप? श्वेता ये क्या है? स्पाइडर मंकी। वेरी गुड। कल से लेकर आओगी तो एक्स्ट्रा लेकर आना। क्यों? टिफिन लंच डिनर। इससे अच्छा मेरे घर पर रह लो। अब मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता ना। फिर से कोई प्रॉब्लम है क्या? गाड़ी की ड्यू भरनी है, गाड़ी की ड्यू भरनी है, ऐसा हमेशा बोलता रहता था। अभी शायद भर दी होगी। मैं दिन रात और नहीं चला सकता, और पैसे चाहिए तो खुद ही चला लो, जो करना है करो। सुनो, हम तो अच्छा ही करते हैं, बाकी लोग क्या क्या करते हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सब मेरे भैया का श्राप है। जब भैया थे तब तो काम पर जाता नहीं था, दिन रात गाली देते रहते थे मुझे, हमेशा चिल्लाते रहते थे। मैं गुस्से में निकल जाता था कहीं बाहर, लेकिन वो शांत नहीं रहते थे। फोन करके पूछते, करण कहाँ है, जल्दी घर आ जाओ, कहाँ हो। भाई थे ना। बोलो शर्मिला। ऑफिस में आ जाऊं क्या? नहीं, घर पे आ जाओ। घर पर? हाँ, अन्ना नगर आते ही फोन करो ना। ओके। रास्ते में हो क्या? एक कस्टमर पिकअप है, दास सर की बेटी है, यही अन्ना नगर तक ड्रॉप करके आता हूँ। आज ड्यूटी पर क्यों गए?
गुस्सा मत करो ना, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है जल्दी आओ। कहाँ पहुंची तुम? अन्ना नगर सर्कल पार कर लिया है। फोन उस ड्राइवर को दो। एक मिनट भैया, वो एड्रेस बता रहे हैं, जरा बात कीजिए ना। सर जो सिग्नल आएगा उसे राइट मार लेना। सर उसके बाद लेफ्ट साइड में देखते हुए आ, एक रोड दिखाई देगा, वहीं उतार के निकल जा। सर अगर दोबारा पिकअप करने के लिए बोलेगी तो पर्सनल काम है बोल के निकल जाना। सच में पर्सनल काम है सर। सुनो, आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ मैं। क्यों तुम हमेशा परेशान करते हो? 5 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। क्या 5 मिनट, क्या 10 मिनट, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम 10 मिनट वेट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं वेट नहीं कर सकती। तुम अपना पिकअप ही करते रहो, जाओ। सॉरी जी। इट्स ओके। मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हैं सर? हाँ मैंने तुम्हें देख लिया है, यहीं पर। हाँ एकड़ के हिसाब से चाहिए, किसके पास है? ए मेरी बात सुन, तू जैसा बोल रहा टर्की को पालने के लिए बहुत सारी जमीन नहीं चाहिए होती है, तेरे घर का माला ही काफी है। तो आप शुरू करने के लिए बोल रहे हैं? सही बोला। अब सुन, गाड़ी टर्की सेट पैसा सब कुछ तेरा ये भाई संभाल लेगा। ये देख कल ही एडवांस दिया था और आज से काम शुरू हो गया। ऐसा है क्या? हाँ बोल करण। भाई वो सुकुमार को एक दिन मारा था ना, तो आपने बताया था रुद्रा का आदमी है। ये रुद्रा कौन है भाई? रुद्रा कौन है? वो सिटी का बहुत बड़ा फाइनेंसर है, अगर वो नहीं होगा तो मिडिल क्लास वालों को फाइनेंस मिल ही नहीं पाएगा। फाइनेंस मतलब किस तरह का फाइनेंस भाई? तेरी कीमत 100 रुपए है, तुझे 150 रुपए देकर जो 50 रुपए दिया है उस पर ब्याज लेगा और तुझसे वो 500 रुपए कमा लेगा। फिर वो कार के लिए करेगा क्या? वो खटिया बिस्तर के लिए भी करता है, कार के लिए क्यों नहीं करेगा? हे, तूने ड्राइवर को फोन किया था क्या? आपने फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा था ना। हेलो सर, कंट्रोल रूम है क्या? एड्रेस चाहिए, अन्ना नगर। हे कौन है रे तू? मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ सर। फिर उठा के ले जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। फिर वापस क्यों आया, जानता है मैं कौन हूँ? पता नहीं है सर, लेकिन मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मुझे पता है। कैसे पता है? आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ए, चल जा, तेरा पैसा पहुंच जाएगा। सर इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। तेरी तो इज्जत दे रहा है। हेलो कंट्रोल रूम है क्या? फोन बज रहा है, उठा तो ले। चुप कर। मृदुला क्या है, कितनी बार कॉल करोगे? अगर दोबारा कॉल किया ना तो अच्छा नहीं होगा। हे ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मैं अपने बर्थडे पे भी नहीं आ पाया, अगर मैं इस समय नहीं आ पाया तो कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो नहीं आ पाया ना। जिंदा हो ना, मर तो नहीं गए? फोन रखो। हे बाहर आओ। माची प्लीज, माची प्लीज, माची हैप्पी बर्थडे टू मी, बोलेगी नहीं क्या? ए बाहर आकर देख, कार चल रही है। आ जाओ ना। Dun, dun, dun.
एक मिनट रुको। क्या है? कुछ नहीं। ये क्या है पता है? चेन है। जी हटो। ये करण और मृदुला, ये पति है और ये पत्नी है। कैसा है? नमस्ते। क्या प्रभाकर, वापस यहाँ? नहीं रमन भाई, उस पार्टी में मेरी बहुत इज्जत थी। अब नहीं है क्या? अब आपको पार्टी में मेरे वापस आने की वजह पता है क्या? मैं किसी की जी हुजूरी करने नहीं आया हूँ। किसी भी कीमत पे 83 नंबर वार्ड का मेंबर बनना है मुझे। नेताजी का जन्मदिन आ रहा है ना, उसी दिन तू पार्टी में शामिल हो जा। 10 लोगों को साथ में लेकर आएगा ना। क्या मजाक कर रहे हो? इस पूरे एरिया में प्रभाकर का नाम बस ले लो, सब जानते हैं मुझे। पता है, तू सबको जानता है, लेकिन तेरे बुलाने से कोई आएगा? आएंगे, जरूर आएंगे। तुझे मेरे बारे में पता नहीं है, 30 साल हो गए इस एरिया में, मेरी एक आवाज में सैकड़ों की भीड़ खड़ी हो जाती है। क्यों करण, ड्रॉप है क्या? नहीं, पिकअप है। ये मेरा ही लड़का है। अच्छा? अब उनके लिए कुछ भी कर सकता है ये। इनकी बात पे भरोसा मत करो। इनके लिए कुछ नहीं करूंगा मैं। और करण, खाना वाना हो गया? नहीं तो आप खिलाएंगे क्या? अरे दे दे। मेरा इसकी फैमिली से बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए मजाक करता है। सिर्फ यही नहीं, मेरा पूरा एरिया ही ऐसा है। झूठ मत बोल यार। क्या, इतने दिनों से पार्टी में हो, ये कोई मामूली बात नहीं है प्रभाकर। बड़ा या पार्टी कर रहा है, इसके साथ तो कोई आता ही नहीं है। संभल कर जाना और कल जल्दी आना। ओके बाय। ऊपर माँ है, क्या कर रहे हो तुम? बस ऐसे ही। अरे रे बेटा, और कितने दिनों तक तुम लोग ऐसे ही रहने वाले हो? मृदुला, अपने पापा से शादी की बात तो कर सकते हो ना। माँ दूध नहीं है क्या? नहीं बेटी, लेकर आती हूँ। क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? पापा से जाकर के बात करनी है ना। हमेशा भैया लापता हो गए यही बोलते रहते हैं। बच्चे मत बताओ, तुमसे नहीं होगा ना। ए, अभी तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? लाइफ में अगले स्टेज पे जाएंगे ना, तब बात करेंगे। और अगली स्टेज क्या है बताओ ना, सिर्फ बच्चा पैदा करना बाकी है, वो भी अभी कर लो, शादी करने की क्या जरूरत है? ओहो, ऐसा भी कोई रास्ता है क्या? तो डायरेक्ट चलें क्या? तुम ना इंसान कहने के लायक नहीं हो, जानवर हो। मार क्यों रही हो? तो फिर क्या करूं बताओ, गुंडे की तरह बातें मत करो। वेट करने के लिए बोला ना। मैं तुम्हारे लिए और वेट नहीं कर सकती, मुझे इस बारे में अभी फैसला करना है। पापा, उस लड़की को लेकर आता हूं। जा लेकर आ, बात करते हैं। जाना। बोलो। ए, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। जब तक झगड़ा नहीं करूंगी तब तक कुछ नहीं करते ना। चूड़ीदार पहन करके आना, उसमें तुम अच्छी तो लगोगी ना। मुझे चूड़ीदार में कभी देखा है क्या तुमने? हे, देखा तो है लेकिन खूबसूरत लगती हो कि नहीं ध्यान नहीं दिया। एक काम करो, साड़ी ही पहन लेना, उसमें बहुत अच्छी लगती हो। पहनती हूँ। माँ जी ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ गड़बड़ है तो बताइए, पापा को पसंद आनी चाहिए। कितने दिनों बाद मेरी बेटी इतनी सजी धजी है। अच्छा चलो। पापा, मृदुला और उसकी माँ। आपके कुल देवता कौन है? हमारा कोई कुल देवता नहीं है, लेकिन हम लोग शिव जी को ही मानते हैं। हमारा भुवनेश्वरी है। आप मांस खाते हैं क्या? पापा नहीं नहीं, हम नहीं खाते। लड़की अच्छी है, तूने अपने लिए अच्छी पसंद की है, लेकिन हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। पापा, आपने कहा था लेकर आने के लिए ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ए, मैं बेवजह बोल रहा हूँ। मैंने सोचा कि लड़की हमारी जाति की होगी। देखिए पापा, गलत बात नहीं, इज्जत से बात कीजिए। छोड़िए, मेरी जिंदगी देख लूंगा। अब भी तू क्या कर रहा है? हाँ, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है। ऐसा मत बोल कि कुछ नया बोल रहा है, बड़ा लेकर आ गया है।
कार में जाकर वेट करिए। मेरी खुशी आपको पसंद नहीं है ना? ऐसे बैठकर रोइए आसमान देख करके, भैया चले गए भैया चले गए, तभी खुशी मिलेगी आपको। हा? मैं जीऊं या मर जाऊं आपको क्या है? मेरी जिंदगी नहीं है क्या कोई? अपनी जिंदगी तो आपने जी ली, काश मेरी मां होती, वो मुझे कभी ऐसे नहीं भगाती। कैसे बात करके जा रहा है देखा? अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या बुराई है? जीने दो, मैंने मना थोड़े किया है। वो किसको लेकर आया है पता है? जो खो गया है उसके चक्कर में जो है उसे मत खोइए। वो तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद अगर वो हाँ बोल दे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर वो नहीं आएंगे तो अब क्या करेंगे ससुर जी? बेटी तुम्हें भी ये विश्वास है क्या? अब तक नहीं लौटे हैं तो अब विश्वास करना ही पड़ेगा ना। मतलब अगर वो घर नहीं लौटा तो मर गया समझ रही हो क्या? ससुर जी एक दिन घर नहीं आए तो ढूंढ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं आए तो कंप्लेन कर सकते हैं, अगर दो साल तक नहीं आए तो मर गए हैं ऐसा ही कहेंगे ना। मैंने वेट करने के लिए कहा था ना, उस आदमी के बारे में मुझे पता नहीं है। ये आदमी वो आदमी करके बात मत करो, जो भी है तुम्हारे पिताजी है वो, जाओ जाओ यहाँ से। हेलो करण, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कानन पैसे लेकर आ। भाई अभी तक एक तारीख नहीं हुई है। क्या मतलब है? ड्यू नहीं भरेगा क्या? दो दिन का टाइम दो ना। देख कानन, फर्स्ट ड्यू में तू लफड़ा कर रहा है, वापस आऊंगा पैसे निकाल कर रखना। कहाँ हो तुम? क्यों पूछ रहे हो? मुझे मिलना है तुमसे। ठीक है तो मॉल में मिलते हैं। मुझे तुमसे ओपनली कुछ बात पूछनी है। इंटरेस्टिंग, पूछो पूछो। मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहता हूँ, मैं तुम्हारे बहुत ही क्लोज हूँ ये खुद ही फील कर लेता हूँ, ये गलत है ना? हाँ गलत है। देखो तुम्हें मुझसे तुम्हें मेरा फिगर अच्छा लग गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर जब तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल जाएगी तो ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हें शादी में विश्वास नहीं है कहा था ना? तो तुम्हें लड़कों पर भी विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है कि लड़कों पर विश्वास नहीं है, लेकिन जब लड़के हस्बैंड बन जाते हैं ना तब उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं समझा नहीं। अगर किसी दिन मैं लेट नाइट पूरी टल्ली होकर आऊं तो तुम क्या करोगे? एक चमाट दूंगा। हाँ मारोगे ना, पर अगर तुम पी कर आओ तो क्या मैं मार सकती हूँ? पर मैं तो पीता ही नहीं। ओह ऐसा है क्या, ठीक है छोड़ो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। सुनो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो जो नहीं है उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? अभी नहीं ना यार, शादी के बाद तो होगी ना। तुम्हारा और मेरा सेट नहीं होने वाला है, यही कहना है? मैं तुम्हारी मेरी बात नहीं कर रही, पर अगर ऐसा लड़की सोचेगी ना तो किसी से सेट नहीं होगी। सारी लड़कियां ऐसी ही सोचती हैं। अब सच में यार, अगर ये फैमिली वैमिली का झंझट ना हो ना तो सब फ्री लाइफ रह सकते हैं। फ्री? अभी तुम्हारे पापा कहाँ होंगे? घर पर होंगे, पर क्यों? कुछ नहीं,
इतनी अकलमंद बेटी को पैदा करके यहां पर क्यों रखा है ये पूछना है, समझ गई? अब तुम जाओ, तुम एकदम फ्री रहो ना। ए, मैंने तुझे वार्न किया था ना, फिर तूने उसे गाड़ी क्यों दी? नहीं अंकल, वो क्या तुझसे प्यार करेगी ये सोच कर दिया? ए, वो तुझसे ही नहीं किसी से भी प्यार नहीं करेगी। ये आपको कैसे पता? पैदा किया है मैंने उसे, मुझे पता नहीं होगा। अंकल मेरी एक मदद करोगे? उस गाड़ी के ड्यू भरेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं देख लेता हूँ, तू जा। और अपनी बेटी को बोल दीजिए कि हम जैसे लड़कों से फ्रेंडली ना रहे। क्या? नहीं अंकल, हम इमीडिएटली फिक्स कर लेते हैं कि यही है, लेकिन वो कहती है कि जब फ्रेंडशिप रखनी है तो बहुत टेंशन हो जाता है। क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? मतलब अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को नहीं देखोगे क्या? नहीं अंकल वो साला काट दूंगा तेरा। हाथ हटाओ ना। अच्छा यहाँ रहते हुए तुम्हें 2 साल तो हो गए होंगे। 2 साल 165 दिन पूरे होने के लिए 5 घंटे बाकी हैं। ये सब तुमने गिनती करके क्यों रखा है? मैं जानती थी कभी ना कभी पूछोगे, तो जवाब तो होना चाहिए ना, इसलिए। अच्छा ये बताओ तुमने मुझे कितनी बार किस किया है? उसकी लिस्ट तो अलग से बनाई है, क्यों चाहिए क्या? देखिए भाई ऐसा नहीं हो सकता है। देखो भाई मैंने अभी सुमो उसको दिया है, रात में पैसे देगा, आप आकर ले। अगर वो मर गया तो? क्या कहा? वही बे, अगर तू रातों रात निकल गया तो क्या? तुझे नो भाई, तुझे बताता हूँ क्या कर रहे हो ये। ए आदि, ये हमारी पार्टी है, इसे नहीं मार सकता। बीच में बोल रहा है, कौन है बे तू? कौन हूँ मैं? आदि तूने जो लिया ना वो अमाउंट सेट किया है, इंटरेस्ट अमाउंट 45,000 तेरे ऊपर बाकी है, वो देकर यहाँ से निकलो, चलो निकलो। हे शेखर तुझे शर्म नहीं आती? बेइज्जत हो रहा है, अगर तू मंथली ड्यू टाइम पे भर देता तो हमारे पास से कितना भी ले सकता था ना। छोड़ो भाई, दुकान बेच कर मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा। तो सुन, पहले मेरा सेटल कर, फिर किसी ने मुतारी गली में फाइनेंस की दुकान खोली होगी उसको बाद में देना। क्या बोला तूने? क्या क्या बोला? पहले अमाउंट सेटल कर रहे। अभी तूने कुछ बोला? हाँ, मुतारी गली में फाइनेंस कंपनी खोला। भाई शेखर ने गलत कर दिया। भाई क्या हुआ? उसने बाबू जैन से भी फाइनेंस लिया है, आदि और उसके आदमी कलेक्शन के लिए आए थे। तो अभी क्या करना है ये बताओ। इसलिए आपको कॉल किया है भाई। वरुण कुमार और सुकुमार उसी एरिया में रहते हैं ना? ठीक है भाई, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ बोलो। भाई को फोन किया था? भाई ने मुझसे अभी बात की, मैं सुकुमार को लेकर आता हूँ। ठीक है भाई। हाँ भाई बोलिए। हे हृदय, तूने बाइक शॉप वाले लड़के को स्कूटी दिलाई थी ना? हाँ। गाड़ी नंबर TN207826। ठीक है भाई, मैं वो सेटल कर देता हूँ, अब उस लड़के के पास कलेक्शन के लिए मत जाना। ठीक है भाई, मैं लड़के को बोल देता हूँ। क्या हुआ? अंपायर कलेक्शन के लिए गया था, उस पे हाथ उठा दिया। कौन है वो? चलो देखते हैं। कौन है वो? आदि है भाई, कलेक्शन के लिए आया था लेकिन सामान लिए बिना चला आया। अभी तो चल जा, मार खाई तूने रुद्रा को? बताया रुद्रा की नजर में मत आना। नेपोलियन, एम्पायर को आदि ने मारा है, बात बहुत बढ़ गई है, तेरे पास मौका है, तू जाके आदि को उठा ले। मैं भाई से बात कर लूंगा कि तू उनके पास आ रहा है। आकर क्या करूंगा? नेपोलियन तेरी जरूरत है, जाके खड़ा हो जाऊं यही ना? ये सब अभी मत सोच, देख वहाँ पे जगह खाली है, तूने मौका मार लिया तो तेरा काम बन जाएगा। अरे वाह, तुझे मेरी क्यों इतनी फिक्र है? तेरी गर्लफ्रेंड को किसने मारा यही जानना है ना? वो मेरे साथ कभी थी ही नहीं। फिर वो कौन थी? जानकर तू क्या कर लेगा? ए, जल्दबाजी में आके जैसे मैंने आदि के बेटे का हाथ काट दिया था वैसे गलती तू मत कर बैठना। मेरी फिक्र मत कर, तू इतना बोल दे कि तू मेरे साथ है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू मेरे लिए क्या कर सकता है? इस महीने माँ को भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं क्या? ये ले,
और पैसे भेज दे। हे, इस गाड़ी में बैठने वाला कोई भी जिंदा नहीं है तेरे और मेरे सिवा। तो अब क्या करूं मैं? उस आदमी से होशियार रहना, उम्मीद मत करना। भाई उसे हमें मार के ही जाना है, किसके लड़के के ऊपर हाथ उठाया उसने? अरे सर क्या कर रहे हैं, ऊपर कैमरा है। अरे सर, अरे कैमरा है सर, सर क्या कर रहे हैं? अब नहीं दिखाई देगा ना? है अधिकार है। कौन तुम लोग? सबको गोली मार के निकल जाएंगे यहाँ से। बाबू को पता है अम्बा तो प्यार करके नहीं आएंगे, तुम लोग क्यों आए रहे? चलो भागो यहाँ से। इतने में खत्म हो गया क्या? हमारे पास पैसे लेने नहीं आओगे क्या? भाई बाबू जी ने शुरू कर दिया है, अब हमें करना होगा। किसी को भी इधर नहीं आने देना है। किसी को भी फाइनेंस की जरूरत हो तो हमारे सामने आकर खड़ा हो, ऐसा करके दिखाना है। ए, फोन इधर दा। बाबू को फोन लगा। लगाओ बाबू को फोन, लगाओ। बाबू तेरे लड़के ने गलत कर दिया। अरुण मेरा लड़का तो घर में गेम खेल रहा है। क्या बोल रहा है, लड़का तुम्हारे घर में है? क्यों तुम लोग ऑफिस आए हो क्या? आदि को मार डाला? कोई बात नहीं छोड़, वहाँ दो चार चेयर वेयर तोड़ दे और रुद्रा को बता देना, वो तुझे बहुत शाबाशी देगा, समझ गया? सर दो गुंडे आकर यहाँ लफड़ा कर रहे हैं। सर गुंडा नहीं रे, भाई बोल बोल। दो भाई आकर रुद्रा सब कुछ गलत हो रहा है, लड़के लोग सही नहीं है, अगर डर चला गया ना तो बिजनेस भी चला गया। बहुत दुख हो रहा रुद्रा, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, अगर पहले की तरह अभी भी मारूं तो अच्छा लगेगा क्या मुझे? अगर ये अरुण काम करेगा तो लोग समझेंगे रुद्रा कमजोर हो गया। हृदय। हाँ भाई। उस लड़के का क्या हुआ? वो लड़का एकदम स्ट्रांग है भाई। तो क्यों जाकर उससे मिला? बाबू जान के आदमियों ने एम्पायर को मारा था, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। वो रहता तो कुछ करता ना, इसीलिए मैं उससे मिला। सुकुमार उस लड़के को फॉलो करो। मुझे क्यों फॉलो करने को बोल रहे हो? नेपोलियन को फॉलो करने को बोलो। दो महीने पहले नेपोलियन ने उस लड़के को भेजकर स्कूटी दिलवाई थी, तभी मुझे डाउट हो गया था, और बाद में मुझे पता चला कि वो अरुण भाई की बेटी है। सुनो अरुण कुमार, पत्थर की तरह खड़े क्यों हो? ये जो बोल रहा है वो सच है? सच है भाई। नमस्ते। नमस्ते। सुन 5,000 लेकर आ। गाड़ी कहां पर है? गाड़ी घर पर है। घर पर है क्या? ये स्टिकर गाड़ी पर चिपका देना। उस लड़के ने मेरी बेटी के लिए यहाँ से गाड़ी दिलवाई थी, ये मुझे पता है, लेकिन वो नेपोलियन का आदमी है, पता नहीं था मुझे। हृदय भाई, वो जो भी करता है बहुत अकलमंदी के साथ करता है। मैं देख लूंगा रुद्रा, उसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे रहा है? मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। तुमने बोला था ना तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम घर जाओ। तुम गलती पर हो रुद्रा। hey, वो तेरे घर के अंदर घुसा और तुझे पता नहीं? मेरी बात मान और जा। रुद्रा सालों से तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे एक चांस था, फिर घर ही क्या, यहां से अपने गांव वापस चला जाऊंगा। अरुण कुमार, मैंने उसे पाला है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। रुद्रा के आदमियों ने हमारे ऑफिस में घुसकर आदि को मार डाला, तुम्हें पता है या नहीं? वो क्यों इतना एक्सट्रीम जा रहा है? तू रिटायरमेंट लेके जिंदगी में सेटल हो गया, और अभी जो है करण सिंह डीसी, वो रुद्रा की कस्टडी में है, दोनों एक ही बेल्ट। तू क्या करने वाला है? उसे मैं देख लेता हूँ बाबू, छोड़ो। वो 400 तोला सोना दिया था ना, वो कहाँ पर रखा है? वो लॉकर में रखा है। तू रुद्रा का क्या करने वाला है? उसको गुल्लक में डालने के बाद बता, मैं रुद्रा को संभाल लेता हूँ। तू उससे पहले नहीं करेगा। बाबू रुद्रा क्या किसी होटल में काम करता है जो आसानी से जाकर छुरी घोंप देंगे? डेली उसकी एक्टिविटी जानने वाले किसी को तैयार कर, फिर देखते हैं। हाँ।
हाँ भाई। उस लड़के ने कितने महीने से बकाया नहीं दिया है? 2 महीने से भाई। उठा लो उसे। पैसे निकालो। मैंने उस लड़की के बाप को बता दिया था, उसने नहीं भरा क्या? रुक जाइए मैं पूछता हूँ। क्या बोला इसने? बोल रहा है मैं क्यों भरूं? क्यों रे? तेरी तो भाई पूछ रहे, जवाब दे चल। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझसे एक लड़की प्यार करती है, इसी आशा में उसे गाड़ी लेकर दी थी। दिया वो तो ठीक है, बकाया क्यों नहीं भरा? हाँ सर, अभी वो लड़की मेरे पास नहीं है और ना ही गाड़ी मेरे पास है, तो वो ड्यू मैं क्यों भरूंगा सर? कहाँ है वो? कौन भाई? अरे वो लड़की भाई, वो अपना अरुण। लड़की कहाँ है भाई? आदमी गए हैं, बस आते ही होंगे। स्कूटी तेरे पास है? हाँ सर। वो कनन को दे दे, वो पैसे सेटल कर देगा। नहीं दे सकती सर। क्यों? सर फर्स्ट स्टैंडर्ड में इला नाम की लड़की ने मुझे इरेजर गिफ्ट दिया था, वो अब तक मेरे पास है। ए स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो प्रेमराज नाम के लड़के ने पेन गिफ्ट की थी, वो ये है। 11 स्टैंडर्ड में थी तो पांडे नाम के लड़के ने मुझे सेलफोन गिफ्ट किया था। उसी तरह से ये स्कूटी मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की है, तो वो मेरे पास ही रहेगी। Because everything is my memory. How can I give it to him? सर, सारा अमाउंट सेटल कर दिया गया है। विश्वास नहीं है तो पापा को फोन करती हूँ, आप खुद ही बात कर लीजिए। Hey, अपने बाप से फोन करके बात करेगी और मेरे लड़कों के बात पर विश्वास नहीं करेगी? सर, इनकी बात पर मैं विश्वास क्यों करूं? तो मैं तेरी बात पर विश्वास क्यों करूं? क्योंकि मुझसे गाड़ी लेकर जाने वाला वही है, मैंने खुद देखा था। Hey, कौन है रे? भाई तिवारी जी का रेफरेंस था, उनकी बिल्डिंग में दुकान है। इसे गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या? पूछ इससे। वो लेकर आया होगा लेकिन खरीदी तो मेरे पापा ने थी सर। तेरी तो? भाई अरुण कुमार की बेटी है ये। तो क्या हुआ, अरुण कुमार की बेटी झूठ नहीं बोल सकती, चल जा। hey, हाँ? इसे तूने देखा है कनन के साथ? जा। प्लान क्या किया है तूने? नेपोलियन को तू कैसे जानता है? सर बाबूजी का आदमी है। नहीं सर। सर 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 नेपोलियन के पास स्कूटी के लिए गया था, वही जाकर मिलने के लिए बोला था सर, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं पता है सर। हृदय। हाँ भाई। क्या कर रहा है तू? भाई अपनी वो नई ब्रांच ओपन होने वाली है ना, उसी की बात कर रहा था। अच्छा तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई। वो क्या है कि मैं तुम पर पूरी तरह विश्वास करूं, तू हमेशा मेरे साथ रहे, उसके बाद मेरे साथ कुछ करने का। मुझे शक कर रहे हो भाई? बस ऐसे ही पूछ रहा था। जा। काटिए ना। अरे काटना अभी ना भाई। भाई ये तो शुरुआत है, यहीं पर सेटल नहीं हो जाना? भाई मुझे आपके साथ रहना है, इसलिए मैं गांव से यहाँ पर आया हूँ, फिर आपने मुझे यहाँ उठाकर डाल दिया। भाई तू मेरे साथ रहने वाला आदमी नहीं है। भाई मैं इसकी तरह टपोरी नहीं दिखता, इसलिए आप कह रहे हो कि मैं आपके साथ काम करने के लायक नहीं हूँ। भाई इधर देखो, मैंने आपके लिए बनाया ये सब बॉडी, तो देखो, देखो ना भाई। अरे ये सब क्या है,
पहले शर्ट पहन। हे, तुझे देखकर मुझे लगता है कि मेरी भी एक फैमिली होनी चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए। अब वो सब तो हो नहीं सकता, इसीलिए मैं तुझे मना कर रहा हूँ, समझ गया? भाई तो आखिर तक इधर ही क्या? हे, तू ये काम देख, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। क्या है सर? गाड़ी का फुल अमाउंट इसमें है सर, उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, अचानक उस पर इतना प्यार क्यों? मैं सोच रही थी कि मेरे पापा ने गाड़ी लाकर मुझे दी है, पर अभी उन्होंने बताया कि उसने मुझे खरीद कर दी। वो मासूम है सर, उसे छोड़ दीजिए ना। मेरी गलती है, आपके पास आता और बताता कि एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसे स्कूटी देनी, तो आप नहीं देते क्या? उसी तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ, स्कूटी लो, तो ये नहीं लेती है, तो ये मेरी ही गलती है ना? छोड़ो। ये कैसा है, देखा तुमने? ऐसे लड़के से पहले कभी तुम मिली थी क्या? आप मीडिएटर का काम करते हो क्या? मार डालूंगा। भाई मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए तो है, लेकिन इसको बोलो कि ये हमेशा मेरी बात मानती रहे। हाँ मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करूंगी, पर आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगी, चलेगा तो ठीक है। मैं भी तुमसे शादी नहीं करने वाला, आखिर तक सेट हो रही है कि नहीं इसका इंतजार करूंगा। ए, तुम मेरा डॉक्यूमेंट देने वाले हो या नहीं? ए, पैसे लेने के लिए आया हो, पैसे लेके फोन करता हूँ। सर अंदर ही है, चले जाइए। भाई क्या सोचा ये बताओ, पैसे दोगे या नहीं? जो भी है साफ साफ बताओ। क्या नेपोलियन, तू अभी मुझे बिना इज्जत दिए बात कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, आप पैसों के साथ जीने वाले लोग हैं और मैं पैसे के पीछे भागने वाला, हमारे बीच में इतना अंतर है, जब सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है। अरे तूने मांगा तो मैं उठा के दे दूँ क्या? तू मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे लिए करूँगा, उसी को तो बिजनेस कहते हैं ना। भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुमार के लिए ब्रांच ओपन करना कंफर्म है ना? हाँ भाई। तो असाइनमेंट कल रखते हैं क्या? भाई इस मोमेंट के लिए मैं कितने दिनों से वेट कर रहा था। ए, इसे बहुत होशियारी से करना होगा। हाँ मैं तो स्पॉट में रहूंगा ना बाबू, मैं देख लूंगा। मगर ब्रांच ओपन करने के लिए रुद्रा ने मुझे इनवाइट किया है, वहाँ सिर्फ मैं होना चाहिए, वो वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। जाओ। तो उधर क्यों खड़ा है? नहीं बाबू भाई, उसको मारने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। इस ब्याज के बिजनेस में अच्छी तरह से जीने के लिए, बहुत ज्यादा कमाने के लिए सिर्फ एक ही मुसीबत है, और उस मुसीबत को कैसे भी करके हैंडल करना है, यह भी एक बिजनेस है। इतने सालों से तू रुद्रा के साथ था, ये भी नहीं पता है क्या तुझे? जो अपनी शक्ति से आगे बढ़ रहा होता है उसे रोकना होता है। बता, करेगा तू? साथ में बिजनेस करते हैं ना? तो इधर कब आया? नेपोलियन, मैंने शुरुआत भी यहीं से की, धंधा भी यहीं से सीखा। चला। चाचू दादाजी कहाँ हैं?
वो भगवान के पास चले गए बेटा। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? पापा और दादाजी भगवान के पास गए, आप उनको लेकर आओ ना। ए कीर्तना, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इसके अपने ही हजार काम होंगे, वही कर ले काफी है। इस पाइप के जरिए भाई ने इस कंपनी से कार खरीदी थी, लेकिन एक भी ड्यू नहीं भरा है। अच्छा, ड्यू नहीं भरा है, तुम्हें कैसे पता? इतने दिनों से किसके पास था? पापा का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसमें था। ये देखो ना, सारे पेज खाली है। देखो, ये तुम्हारे भैया को उस फाइनेंस कंपनी वालों ने दिया होगा, वो अपने पास नोट करके रखते होंगे। नहीं मृदुला, मुझे कुछ गलत लग रहा है, तुम मेरा एक सपोर्ट करोगी क्या? आने वाले कल का सोचकर बिल्कुल चिंतित मत होइए। प्रभु कहते हैं कि वो हमेशा हर कदम पर आपके साथ हैं। आप आए हो इस दुनिया में बहुत सारा कर्म करने के लिए, लेकिन याद रखिए, ये जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए सारे कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, ताकि जब हम प्रभु के पास जाएं, तो प्रभु हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा कर सकें। प्रभु ने हमारे जीवन में हमें बहुत सारी खुशियां दी, हमें इस बात के लिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अरे बेटी, कहते हैं अगर कुछ पूछना है तो थाने में आओ, यहाँ चर्च में नहीं है। थाना आने की आदत नहीं है सर, फैमिली में प्रॉब्लम है, थोड़े पैसे लिए थे, आज ही देना है, वरना उठा कर ले जाएंगे और जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। बहुत डर लग रहा है सर, थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना। नहीं हो सकता है। तो आइए हम सब, सुनो तुम लोग घर चले जाना, मैं बाद में आऊंगा। तुम्हारा गांव कौन सा है? चेन्नई है क्या? नहीं सर, शैलम। यहाँ कहाँ रहती हो? मोगा पेरू से। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा घर खाली करवा कर शैलम की टिकट निकलवा देता हूँ, तुम चली जाओ। क्यों सर? ये बहुत बड़ा ग्रुप है, फंस गई तो बुरा होगा, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। सर, मुझे अभी भी नौकरी मिली है, मैं गाँव कैसे जा सकती हूँ सर, कुछ कीजिए ना प्लीज। hey, मैं क्या कर सकता हूँ? इसी तरह एक लड़का अपने भाई को खोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैंने उसके लिए क्या किया? बस उसको बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन तुम्हें नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, उससे जितने भी पैसे लिए हैं उससे ब्याज के साथ वापस कर दो, नहीं तो गांव चली जाओ। बेटे अच्छी तरह से सुन लो, अपने भाई को मारने वाले को मारना ही अगर लक्ष्य है तो तेरे भाई को मारने वाला यही ग्रुप है, या अगर अपनी जिंदगी बचानी है और ये जानना है कि तेरा भाई जिंदा है या मर गया, तो सुन, तेरा भाई मर गया तो उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर इसके बाद भी तू फंसा तो मुझे दोष मत देना। ये क्या बेटा, तूने मुझ पर हाथ नहीं उठाया सर, इतनी जल्दी सच बताया ना, इसलिए रिश्वत दी है। संभल के जाओ, प्लान अपने अंदर ही रखना। ठीक है नेपोलियन, बॉस से मिलते हैं। हे करण, जल्दबाजी मत कर, अंदर आ बात करते हैं। बहुत समझ में नहीं आ रही है, उड़ा दू भेजा, पहुंचा दू तेरे भाई के पास। मासूम था तेरा भाई, चल। तेरा भाई कॉल टैक्सी ड्राइवर था, बस इतना ही पता है ना, रॉबर्ट कौन है पता है? उसके तो असाइनमेंट के मामले में मैं उसके सामने कुछ नहीं हूं, अगर किसी पार्टी को कॉर्नर कर दिया तो वो खत्म। तेरे भाई की गाड़ी सेफली बिना किसी स्क्रैच के पुल के नीचे खड़ी थी, पता है क्यों? बताता हूं मैं तुझे, तेरा परिवार तकलीफ में है ये बात रुद्रा को पता है। बॉडी क्यों नहीं मिली पता है? आनंद को कोई नहीं जानता, लेकिन रॉबर्ट को हर कोई जानता है। तूने अगर श्रद्धांजलि पोस्टर लगा के सब किसी को बुला लिया तो हम क्या करेंगे? दो साल से थाने जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया। तू भी कह रहा है कि मेरे भाई का खून हो गया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि किसने मारा। हे, पुलिस हर केस के लिए जवाब नहीं देती है। मिल्लीवाकम रेलवे स्टेशन, बाइक स्टैंड की नीलामी, लफड़ा चल रहा है रुद्रा और बाबू में। 20 लाख, 20 लाख एक, 23 लाख, 23 लाख एक, 25 लाख, 25 लाख एक, 50 लाख, 50 लाख तो हमारे हाथ लगेंगे ना। 50 लाख दो, 50 लाख तीन। बाबूजन आइए, दस्तखत कीजिए, ये लीजिए सर।
रॉबर्ट ऑफिसर बात करते हैं ठीक है। मुझे रुद्रा बुलाकर बोलता है, नेपोलियन रॉबर्ट बाबू का तो बिक गया, जाके उसे मार डाल। उस रॉबर्ट ने बोला था कि वो 25 लाख में हमें रघुपति फाइनल करके दे देगा और वो तो 50 में आ गया। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। समझ में नहीं आया? वो रॉबर्ट पैसों के लिए बाबू के हाथों बिक गया है, उसे उड़ा दे। भाई उसने मुझसे कहा था बाबू जन सौदा लेके आया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे मना कर दिया था। फिर कैसे उसने मुझे पूरे 3 लाख रुपए देकर मुझसे कार खरीदी? बोलो। उसने अपने भाई के कमाए हुए पैसों से खरीदा भाई। यही यही वो खुद अपने भाई को डेली 100 रुपए भीख देता है। ये क्या बोल रहे हो भाई? नेपोलियन तुझे बहुत दिनों से बुलेट चलाने की ख्वाहिश थी ना? हाँ। तो आज से तू ही उसे चलाएगा। खत्म कर दे। मैंने क्या किया पता है? 4 साल में उसके साथ था ना, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है बाहर आ जा। उसको लगा मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, घबराहट में भाग कर आया। हे रॉबर्ट हमें उठाने का प्लान किया है। क्या? ऐसा क्या? चल चल। इसके अलावा तुझे और एविडेंस चाहिए तो चल। तिरुमंगलम बस स्टैंड में बाबू जैन के आदमियों को मारने से लेकर आउडी माता के मंदिर में जाकर नेता को मारने तक तेरे भाई के किए सारे मर्डर का प्रूफ इसमें है, ये देख। लगता है तेरे भाई का श्राप मुझे लगा है। आज मैं भी उस स्टेज पे खड़ा हूं। वो मुझे मारने वाला है या मैं उसे मारने वाला हूं पता नहीं। साथ में आएगा तमाशा देखने? ए रुद्रा, 20 साल से स्टैंड मेरे पास ही है, फिर क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है तू? मेरे आदमी जब कलेक्शन के लिए आते हैं तो उन्हें भगा देता है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ए, कोई आकर एक एरिया में डोमिनेट कर रहा है तो उससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। तो तेरे आदमी अगर अंबातूर में आए तो मैं उन्हें काट दूं क्या? रुद्रा, तू बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है तो मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन अडियार आके वहाँ का राजा बनने के बारे में सोचा ना तो मैं कब कहाँ तुझे मारूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। 20 साल की उम्र से मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा दुश्मन कौन है, तू तो मेरा दुश्मन बनने के लायक भी नहीं, चल जा। बाबू तूने मेरे लिए कोई प्लान किया है क्या? नहीं रुद्रा, तेरे साथ काम करने वाले एक लड़के ने प्लान किया है, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूं और कुछ नहीं। हृदय। हाँ भाई। कार चलानी आती है तुझे? हाँ आती है ना भाई। hey. गाड़ी निकाल। तूने मेरे लिए कौन सी जगह फिक्स की? क्या भाई आप मुझ पे हमेशा शक करते रहते हो, आपको आपके हर आदमी की जानकारी पहले से ही होती है ना? कोई जो अपनी शक्ति से आगे बढ़ रहा हो ना उसे रोकना होता है। आपका शिकार हुआ आदमी आपसे बदला लेगा ऐसा मत सोचिए। हम साथ में बिजनेस करते हैं ना। अंपायर भाई तू मेरे पीछे पीछे मत आ, निडम्बूर ब्रांच जा। ओके भाई। ए, दूसरे रास्ते में चलो।
कहाँ आना है? ए, सोचा था तू नहीं आएगा। तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं? आजा आजा। नेपोलियन, गाड़ी आते ही जल्दबाजी में गन को यूज मत करना, बाहर निकलने के बाद ही शूट करना है। क्यों? बाबू जैन ने यही कहा है। ए, गाड़ी को लेके जाओ यहाँ से। क्या ये? पुलिस है। आज तक हमेशा मैंने तेरे साथ अच्छा किया, फिर तू यहाँ क्यों खड़ा है? भाई, मैं आपको क्रॉस करके ऊपर नहीं उठना चाहता था। मैं आपके साथ रहकर आपका अपना बन के रहना चाहता था, लेकिन आपने मुझे उठाकर फेंक दिया ना, इसलिए मैं आपके सामने आके खड़ा। अगर ये मुझे गोली मारेगा तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने इसके साथ गलत किया है। इसीलिए आप उसे अपने साथ रखे हुए हैं। और वो क्या करता है, इस बात की जानकारी है क्या आपको? हृदय, ये क्या किया तुमने? भाई, आपने मुझे हृदय बोला तो गोली मार दी। मदी, बिजनेस का लफड़ा था, गैंगवार के नाम पर केस क्लोज कर। ठीक है सर। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। बाबूजी सर, प्रेस वालों को इन्फॉर्म करते ही आप आ जाओ। ऐसे अचानक तैयार होने के लिए क्यों बोला? भाभी जल्दी चलिए, यहाँ पे खतरा है हमें। क्यों, क्या हुआ है? भाई के बारे में पता चल गया, वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सब कुछ। लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से निकलना होगा। चलिए। पर बात क्या है? भाभी जो भी है गाँव में जाके बात करेंगे, चलिए। सब कुछ ऐसे छोड़कर भागने के लिए क्यों कह रहे हो? भाभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा। सुनो, ये इतना बोल रहा है मतलब जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत है, तुम्हें समझना चाहिए। तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ए करण, तू इनको लेकर के जा, बाकी सामान मैं भिजवाता हूँ। अरे जाना। चलो जाओ। चलो, मैं भिजवा दूंगा। चलो। जाना जरूरी है क्या? पैसे कमाने के लिए हम कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन यहां जीने के लिए बहुत पहुंच चाहिए। चलो।
उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये हम लोगों की 26वीं ब्रांच है। मेरे आदमियों में से तूने एक उड़ा दिया ना रुद्रा। हम लोग चाहे जितना भी झगड़ लें, लेकिन अपने नीचे रहने वाले हमारे ऊपर आकर लफड़ा करने लगेंगे तो अच्छा लगता है क्या? ये सब कुछ हमारे भाई लोग हित के लिए लोगों की बस सेवा कर रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने भाई कुछ बातें रखेंगे। भाई आइए। उड़ना तो चाहते हैं लेकिन हम उड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए दौड़ रहे हैं। अगर यह भी नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट चलने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सही गलत के जैसा कुछ भी नहीं है। नमस्ते। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं देश विदेशों की खबरें। खबर आ रही है कि अमेरिका के कई भागों में साथ में रहने वाला आंखों के सामने मर गया। बहुत दुख हो रहा है। नेपोलियन मर गया क्या? तुझे कैसे पता? तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारी तकलीफ का मुझे नहीं पता होगा। नहीं होना चाहिए, पर कैसे? मैंने तो अभी अभी न्यूज में देखा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा मूड ऑफ है, जाके तैयार हो जा। अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे तो मैं तुम्हें खुशी दूंगी। सर, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? ए, अगर मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? मार डालूंगा। अब जा। सर, तेरा वहां रहने का टाइम खत्म। ठीक है सर, खत्म कर देती हूँ। हेलो, क्या हुआ? बच गया। तेरी तो ठीक है, उसे जल्दी से घर भेज, मैं देख लेती हूँ। ट्राई करता हूँ। कौन है तुम? अंदर से आ रही हो? ए, बहुत दिनों से मैं अंदर ही रह रही थी। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाहर ध्यान दो, अंदर क्या चल रहा है ये भी देखना चाहिए। सॉरी मैडम। क्या हुआ? फिनिश्ड। भाई काम हो गया है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो स्पॉट पे आने वाली है। हाँ, मैं स्पॉट पे ही जा रहा हूँ।